उसी को मैंने ओपन कर लिया यार, ये पीछे ना गेट बंद कर दो, एक बंदा उठ के बोलो। और ये सर्वर का फोल्डर है, इसमें सर्वर रन हो गया है, npm run devs। अच्छा ये मैं उसके बाद मोबाइल के फोल्डर में हूँ, ठीक है। हमारे पास एक रूट है जिस पर सर्वर है और उसके अंदर एक मोबाइल और एक वेब है। तो मोबाइल को अगर चलाना है तो मोबाइल में जाके मैं चलाऊंगा मोबाइल का कोड, और वेब में जाके चलाना है तो मैं वेब में जाके चलाऊँगा। तो मैं मोबाइल में मौजूद हूँ, इसमें मैं लिखूँगा npm start start npm start लिखने से ये मेट्रो चल पड़ा। और ये थर्ड टर्मिनल मैंने शायद कोई लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करने के लिए किया था, तो इसको मैं किल कर सकता हूँ, तो मैं इसको किल कर दिया, सही। तो दो टर्मिनल है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ओपन किया, npm start लिखा, तो ये कह रहा है कि चार कमांड, एंड्रॉयड पे मुझे इसको रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए का बटन दबा दूँगा तो ये एंड्रॉयड के ऊपर रन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमुलेटर इसने ख़ुद से खोला है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। क्लास ले रहा था मैं सलानी में। हाँ जी जी, क्या अभी मसरूफ हूँ, 11 बजे फ्री हो जाऊँगा। खैरियत कहाँ पर हो, कोई काम था? अच्छा इधर आना है तो इधर आ जाओ, अगर नागर वगैरह पे या कहीं पर, तो फिर वहीं पे मिल लेते हैं, काफ़ी भी लेंगे कुछ साथ। बस तो फिर गुलशन में ही आ जाओ ना, सैलानी तो देखा है ना तुमने, भाई यहीं आ जाना, ठीक है। यहाँ से फिर, हाँ यहाँ से फिर कहीं चलते हैं, ज़ुबैर को भी फ़ोन लगाते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। आज फ्राइडे नाइट है तो दोस्तों की कॉलें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने ऐप रन कर दी है, ए क्लिक किया मैंने तो ये रन हो गई है, और इस पर अगर मुझे रीलोड करना है तो आर क्लिक करना होता है, जिससे ये रीलोड हो जाता है जी। हाँ, इमुलेटर का वाईफाई चल गया, वो मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि वो मेरे केस में वो इशू कैसे फिक्स हुआ है, सही है। कल की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, ठीक है। वो अब आई एम नॉट श्योर कि वो विंडो पे भी आता है या नहीं आता, बट मैक पे वो सबके पास आया हुआ था, सब ने सवाल पूछा हुआ था, और उसका सॉल्यूशन भी सब ने ऑलमोस्ट एक ही जैसा बताया हुआ था, और वही मैंने अप्लाई किया, ठीक है। उसके लिए कल की वीडियो देखे जाएंगे अब। अच्छा, आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट ये कर लिया था कि डोंट हैव अकाउंट तो वो लॉगिन पे और साइनअप पे चला जाए। हमने दो स्क्रीनें बना ली हैं अभी तक, एक लॉगिन की एक साइनअप की, और उन दो स्क्रीन की आपस में हमने राउटिंग करवा दी है। कल हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, जब क्लिक करते थे ना इस पर एक काला हो जाता है, सही है। इसके लिए वो उन्होंने ना एक दूसरा वो लिंक का एक ना दूसरा वो बनाया हुआ है, कहाँ रिक्वायर किया मैंने लिंक को, ये रहा एक ये सिंपल लिंक है ना, एक और लिंक उसने बनाया हुआ था, वो रिएक्ट राउटर डॉम में मैं जाऊँगा ना तो वहाँ आ जाएगा, रिएक्ट राउटर डॉट कॉम, और ये लिंक और लिंक रिएक्ट नेटिव, इसमें यहीं पे मैंने एक देखा था कि हाँ ये रहा, सही है। एक नैव लिंक करके एक दूसरा कंपोनेंट है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और इसमें स्टाइलिंग हम लगा देते हैं, इज एक्टिव अगर है तो जो है ना उसमें कोई भी दूसरा स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि अनैव लिंक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिंक, लिंक ही है ये अंडर द हुड, दैट नो वेदर और नॉट इट इज़ एक्टिव, दिस इज़ अ यूजफुल व्हेन बिल्डिंग अ नेविगेशन मेन्यू सच एज ब्रेड क्रम, और तो इसको पता होता है कि कब ये एक्टिव है। उसमें यही हो रहा था ना, हम जब क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव पोजिशन में अपने आप को डार्क कर लेता है और हमें पता नहीं चल रहा था कि वो हो कैसे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ना इज़ एक्टिव करके इन्होंने एक प्रॉप में ही बोला है कि भाई इज़ एक्टिव अगर होना तो आप क्या कर दो, एक्टिव की जो भी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नैव लिंक उठा लेंगे यहाँ से ऐसे करके, और आके इस पर अप्लाई कर देते हैं हम। व्हाट, हाँ नैव लिंक का एल भी बड़ा है, हाँ। अब ये इस पर एरर किस खुशी में दे रहा है। अच्छा, ये नैव लिंक जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम से हमें निकालना है, सही है, रिएक्ट राउटर नेटिव से नहीं निकलेगा ये।
रिएक्ट राउटर डॉम से निकलेगा। रिएक्ट राउटर डॉम हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसको क्या करते हैं, जल्दी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक नया टर्मिनल खोलते हैं हम, स्प्लिट टर्मिनल ZSH, और ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम NPM आई और रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, इंस्टॉल कर दिया इसको। चलो भाई, और इंस्टॉल करने के बाद इसको किल कर देते हैं वापस से। इसको वापस किल कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, ये नैब लिंक लगा देंगे जहाँ पे हमने लिंक लगाया हुआ था। व्हाट, सही है, ये हमने लिंक लगाया हुआ था, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से नैब लिंक ला के लगा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जैसे लिंक के अंदर इन्होंने बोला था आप सीधा सीधा टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आपको टेक्स्ट का एक व्यू बनाना पड़ेगा, फिर ही आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बट नैब लिंक के अंदर ऐसा भी केस नहीं है। ठीक है, नैब लिंक को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और एक्टिव स्टाइल यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं, जो भी एक्टिव स्टाइल होगा। एक्टिव स्टाइल असल में इसने एक अलग से स्टाइलिंग यहाँ पे क्रिएट की हुई है ऐसे करके, तो ये स्टाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे। ठीक है, इधर बना सकते हैं ऐसे स्टाइल को। अच्छा, क्योंकि ये लाइब्रेरी दोनों के लिए बनी हुई है। अच्छा, ये बात मैंने अभी नोटिस की है कि इसको रिक्वायर इन्होंने कहाँ से किया है, नैव लिंक को रिक्वायर किया है रिएक्ट राउटर डॉम से, तो आई एम नॉट श्योर कि रिएक्ट नेटिव में सही काम करेगा या नहीं, बट लेट्स ट्राई। कुछ तो एरर दिया है इसने, ये यहाँ पे इसने कुछ तो एरर दिया है। काफी लंबा चौड़ा सा एरर दिया इसने। ये कोई लूप इनफाइनाइट चल गया शायद। हाँ भाई, सर ये iOS की एप्लीकेशन आने के लिए मैक नहीं बनाना, क्या iOS की एप्लीकेशन आने के लिए मैक नहीं? हाँ, मैक के बगैर नहीं होगा ना, एक्सपो पे हो जाएगा, एंड्रॉइड पे नहीं? तो एंड्रॉइड की तो दोनों पे बना सकते हैं ना, इसलिए मैं एंड्रॉइड की बना रहा हूँ। एंड्रॉइड की ऐप दोनों पे बना सकते हैं, iOS पे बना दूंगा मैं, कोई मसला थोड़ी ना। इसी तरीके से वो भी रन होगा iOS वाला भी। एमुलेटर इसका अलग इंस्टॉल होता है, उसका अलग इंस्टॉल होता है। एमुलेटर भी नहीं चलेगा विंडोज़ पे, मैक विंडोज़ पे iOS का कुछ भी नहीं चलेगा। एमुलेटर भी नहीं चलेगा, एक्सकोड भी नहीं चलेगा, बिल्ड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। विंडोज़ पे सिर्फ एंड्रॉयड आप चला सकते हैं। iOS की ऐप बिल्ड करने के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। वो एक हैकिंटोश भी बन जाता है। हैकिंटोश ये होता है कि आप एक नॉर्मल लैपटॉप लेके, अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला, उसमें वर्चुअल मशीन रन कर लेते हैं आप मैक की, लेकिन वो कभी भी सही काम नहीं करता। इससे पहले मैंने वही किया हुआ था, जब मैं मैक पे शिफ्ट नहीं हुआ था ना, तो लाख रुपए का लैपटॉप लेके उस पर मैंने ये किया हुआ था। दो SSD लगाई हुई थी अलग अलग, विंडोज़ एक अलग SSD पे थी और दूसरी SSD पे मैंने लिनक्स किया हुआ था, लाइट वेट वाला लिनक्स होता है ना, वो किया हुआ था। तो उस पर मैंने VMware करके और चलाया था, वो बहुत बेकार चलता है, बहुत बेकार चलता है वो। सही है, और अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला था वो मैक, ये HP का ZBook था वो। अगर मेरी कोई पुरानी फ़ोटो देखोगे उसको, ब्लैक कलर का वो तुम्हें नज़र आएगा। तो ZBook अच्छी मशीन है वो, और बस वो गर्म हो जाती थी पूरी, और GPU की परफॉर्मेंस वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि GPU होता ही नहीं है विंडोज़ की मशीन में आमतौर पर। GPU होता भी है तो NVIDIA वगैरह का होता है, वो ड्राइवर इंस्टॉल करो और वो कनेक्शन करो। लिनक्स में तो ड्राइवर ही नहीं होते बाई डिफ़ॉल्ट, वो तो बड़ी मुश्किलों से ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल होते हैं, उसके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं आती। जो वर्चुअल मशीन में चलेगी, होगा सब कुछ, लेकिन वो इतना रुलाएगा ना तुम्हें, टाइम इतना ज़ाया करेगा, और टाइम इक्वल्स टू मनी है। तो तुम लाख रुपए का बजाय HP का लोगे, तुम उससे बेहतर है तुम लाख रुपए की कोई पुरानी मैकबुक ले लोगे। मगर अब मसला ये है कि वो, हाँ मगर मसला ये है कि पुरानी मैकबुक कभी भी मत लेना। ये भी एक सजेशन दे दूँ साथ साथ में, पुरानी मैकबुक लेने में बहुत मसले हैं,
एक तो जो लोग यूज़ करते हैं ना मैक, वो पूरा जूस निकालते हैं उसका, सही है, सुबह से शाम तक वो चार्ज पे लगा के, और उसको पूरा या तो हैवी ड्यूटी कुछ कर रहे होते हैं उस पर, ठीक है ना, वही लोग लेते हैं मैकबुक जिनको रियलाइजेशन है कि हाँ यार ये चलता है, और जब वो होता है तो फिर उसको पूरा यूटिलाइज़ करते हैं वो, तो वो दो साल तीन साल चलने के बाद ना, चार साल चलने के बाद वो सारा उसका जूस निकल चुका होता है, समझ रहे हो? तो अगर उसके बाद आपके हाथ में आया ना, तो वो कोई ना कोई मसला ही करता रहेगा, उससे बचने के लिए आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं लेना है, समझ रहे हो बात? तो बाकी अगर बहुत मजबूरी है तो ले लो पुराना वाला। अभी एक और मसला है, 2017 से पीछे वाले पे इन्होंने अपडेट बंद कर दिए रिएक्ट नेटिव को, बाय द वे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन कोई, ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि जिस टाइम पे अपडेट बंद किए ना, उस वक्त तक तो चलाएगा वो। 2017 वाले की अपडेट जब इन्होंने बंद की है, तो उस वक्त आईफोन 13 था लेटेस्ट, तो आईफोन 13 तक की ऐप उस पर आराम से बनेगी, समझ रहे हो? तो रिएक्ट नेटिव अभी फौरी तौर पर अगर लेते हो ना, बंद हुआ भी लेते हो अगर, तो इतना कोई मसला नहीं है, आईफोन 13 तक की ऐप वो सही बनाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। लेकिन उससे उसके बाद क्या होता है, फिर जो एक्स कोड है ना उसका, उसकी नई वाली अपडेट नहीं आती उसके ऊपर, ये वाला प्रॉब्लम होता है। फिर अगर आ भी जाती है तो वो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा स्लो होता है वो, ज़ाहिर है वो पुराना हार्डवेयर है, 5 साल 6 साल पुराना हार्डवेयर होगा, जब उस पर नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तो वो ज़ाहिर है उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा वो, तो ये वाला प्रॉब्लम है। उसका अच्छा हल ये है, एक तीसरा हल भी है इसका ना, कि क्लाउड पे बहुत सारी जगहों पे ना आपको मैक का वर्चुअल मशीन मिलती है, पेड होती है, वो ले लो अगर फौरी तौर पे चाहिए ना, अर्जेंसी है कोई, तो VPS वगैरह मिल जाते हैं आपको, वो ले लो आप, तो वो $10 महीना इस तरह कुछ पैसे होते हैं उसके, तो सही है, $10 महीना कोई ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अगर आपको 3-4 लाख की मैकबुक अगर ख़रीद रहे हो आप, और ऑन अदर हैंड आप $10 महीना पे कर रहे हो, कितने बनते हैं पाकिस्तानी $10? $2500 या $2800 डिपेंडिंग ऑन द रेट, कि वो क्या रेट चल रहा है, तो ₹2800 ये हो गए, और तकरीबन 1000-1200 इंटरनेट के पैसे, क्योंकि अगर आप VPS चला रहे हैं तो इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए आपके पास, वरना वो भी रुलाएगा फिर आपको, तो कम से कम आपके पास 20 MB तक का इंटरनेट होना, अगर 20 MB मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, वो भी एक अजब गेम कर रहे हैं, उनके पास होता है, एक होता है प्योर इंटरनेट और एक होता है सोशल मीडिया वाला इंटरनेट, तो मेरे पास जो 20 MB का इंटरनेट लगा हुआ है उसमें एक्चुअल इंटरनेट 10 MB है, या समटाइम उससे भी कम आता है, वो समटाइम 5 MB भी नहीं आ रहा होता। यूट्यूब चलेगा जब, फेसबुक चलेगा तो पूरे 20 MB आता है वो, समटाइम 30-35-40 तक भी चला जाता है, वीडियो HD में चलाता है, बहुत अच्छी चलाता है वो यूट्यूब की, लेकिन बस, तो वो यूट्यूब का सर्किट जोड़ा हुआ है उसके साथ, ये नेटवर्किंग का कोई नया मंजन आया है उसके ज़रिए होता है ये, तो वो 20 MB का इंटरनेट है, लेकिन एक्चुअल इंटरनेट उसमें जो है वो 10 MB है, लेकिन समटाइम वो 3-4 MB तक पहुँचा हुआ होता है, डाउन हुआ हुआ होता है, वो जब मुझे पता चलता है जब मैं टॉरेंट चला रहा होता हूँ, टॉरेंट से कुछ डाउनलोड करूँ मैं, या मैं फेसबुक और यूट्यूब के अलावा किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहा होता हूँ ना, तो वो 3-4 MB, 5 MB पे पहुँचा हुआ होता है, अच्छे सिनेरियो में 10 MB तक जाता है वो, सही है, ये वाला होता है। तो अगर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, आप उससे 20 MB का इंटरनेट ले रहे हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसमें प्योर इंटरनेट कितना है, प्योर इंटरनेट 10 MB, 12 MB, 15 MB तक है अगर, तो वो गुजारे लायक है, अदरवाइज़ फिर बड़ा मसला है। जो 50 MB वाला इंटरनेट का कनेक्शन है उसमें 20 MB प्योर इंटरनेट होता है आम तौर पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, पता नहीं आजकल तो बहुत बहुत सारे प्रोवाइडर हो गए ना लोकल, सबका ही को अपना अपना मंजन है, और फाइबर वाला इंटरनेट हो ये भी ज़रूरी है, फाइबर वाले कनेक्शन में लेटेंसी वगैरह थोड़ी कम होती है, वरना जो तार वाला है ना उसमें वो तार एक तो लगानी नहीं आती हमारे वालों को सही, वो RJ45 वो टेक्नोलॉजी में गड़बड़ नहीं है वो मगर वो किसी को लगानी सही नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, जितने भी मैंने देखे ना आज तक वो नहीं लगानी आती उनको, बस वो तुक्के उक्के में लगाते हैं, चेक करते हैं नहीं आया तो काट के फिर वो दोबारा लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो उसमें पता नहीं कलर कोडिंग वोडिंग है भी तो कॉम्प्लिकेटेड ना वो, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ही उसके अंदर पैदाइशी मसला है कि उसको सीखते सीखते बंदा बूढ़ा हो जाता है, फिर उसमें कंजक्शन जब होता है ना, 20-25 कनेक्शन जब एक साथ जुड़ रहे होते हैं जब कंजक्शन वहाँ पे ऐसा हो चुका होता है वो कि उसको आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो कोशिश करें उससे बचें सिर्फ आप, ये पुराना वाला जो कनेक्शन है ठीक है, फाइबर वाला कनेक्शन लगाएं, उसमें ये प्रॉब्लम्स भी कम है, उसको कन्फिगर करना आसान है, इलिटरेट ज़्यादातर होते हैं हमारे केबल वाले,
तो इलिटरेट बंदा भी ना उसको कनेक्शन उसका कर लेता है। सही है, कनेक्शन करना उसका इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी उसके अंदर या तो चलेगा या तो बंद हो जाएगा, लेटेंसी वेटेंसी का चक्कर नहीं है उसमें, जो फाइबर वाले में या तो चल रहा होगा या तो बंद होगा सीधा सीधा। वो तार वाले में नहीं, कभी हिल रहा है कभी लग रहा है, और वो नमकीन हवाएं चलती हैं तो रस्टी होता है, तो उस कनेक्शन डाउन हो जाता है, फिर तार चेंज करो तो कनेक्शन सही हो जाता है। ये चक्कर सब उसमें कुछ भी नहीं है ना, तार वाले में ये होता है, क्योंकि वो मेटल है ना जुड़ा हुआ है। वो क्लिप आपने देखा होगा अगर, तो वो क्लिप में मेटल होता है अंदर, जो टच होता है तो कनेक्शन आता है आपके पास। वो नमकीन हवाएं चलती हैं कराची में, उसमें वो रस्टी हो जाता है। अब वो रस्टी होता है तो वो कंडक्शन कंडक्टर ख़त्म हो जाता है उसका, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट आपका स्लो डाउन हो जाता है। यही वजह है कि हर 6 महीने पर तार चेंज करनी पड़ती है। बोलता होगा ना आपको कनेक्शन वाला आके, पुराने ज़माने पता नहीं अगर कभी किसी ने यूज़ किया होगा, बोला कि सर आपकी तार बहुत पुरानी हो गई है, इसको चेंज करना पड़ेगा तो सही हो जाएगी स्पीड, है ना, इसीलिए बोलता है वो। तो ये फाइबर वाले में ये मसले ख़त्म है। तो इसका तीसरा हल ये है कि आप एक फ़ाइबर का अच्छा कनेक्शन ले लें 1500-2000 वाला, और साथ में VPS ख़रीद लें। क्लाउड पे बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे ना VPS, तो वो $10 में एक महीने में आपकी इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट होगा फ्रीलांसिंग का तो वो भी निमट जाएगा। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो जाहिर है वो कंपनी का मसला है कि आपको मशीन कैसे प्रोवाइड करता है, वो VPS लेके देता है, वो लैपटॉप ख़रीद के देता है, क्या करता है, वो तो उनका मसला है। फिर जब आप किसी कंपनी में होते हैं तो आपको ये फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये फ्रीलांसिंग में ही फंसेंगे आप, तो फ्रीलांसिंग में एक महीने में प्रोजेक्ट पूरा निमट जाएगा आपका। तो अगर सामने से उसने $100 भी दिए हैं प्रोजेक्ट के, तो ये $20-25 निकाल के बाकी तो आपके हैं फिर पूरे, है ना, तो बुरा तो नहीं है ये भी। अच्छा जी, HP पे Hackintosh बनाया हुआ है बस, तो वो फिर चलता भी अल्लाह हाफिज़ ही चलता होगा, सही चलता है। आई कांट बिलीव कि वो सही चलता होगा। तुमने खुद यूज़ किया है? हाँ नहीं, काम तो कर रहे हो तो, लेकिन वो रुलाता बहुत है, वो रुलाता बहुत है। जैसे ये स्मूथ है ना, ऐसे अभी तो तुम्हें यहाँ नहीं फील हो रहा होगा, प्रोजेक्टर पे लैगी है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स में मेरे तुम देखते होगे, ये जिस तरह स्मूथली मूव होता है वो नहीं होता। मैंने यूज़ किया है, मैंने तकरीबन 3-4 साल यूज़ किया है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने मजबूर होकर मैक लिया था कि यार वो नहीं चलता। और प्रॉब्लम भी है ना कि वो वैसे नहीं है तो नहीं है, iOS का काम नहीं, लेकिन वो कभी आ जाता है कोई एक उड़ता हुआ। अब वो 6 महीने में कोई एक प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा यार खैर हो गई, चलो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अल्टीमेटली मुझे इसने तंग इतना ज़्यादा कर दिया ना उसने, कि मैंने बोला यार अब कोई हल नहीं है इसका। तो फिर मैंने फ़ौरन आईफोन भी ख़रीदा और ये भी ख़रीदा, दोनों इसीलिए ख़रीदा। और जब मैंने ख़रीद लिया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। मतलब मेरे ख्याल में मैकबुक जो है वो ओवर प्राइस है अभी भी, सही है, मेरे ख्याल में अभी भी ओवर प्राइस है, लेकिन वर्थ है। जो भी पैसे ये मांग रहे हैं ना, वो आप इनको दे दो, वो वर्थ इट है। यानी अभी जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने कंप्यूटर साइंस में ही रहना है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही अपना करियर बनाना है, अगर आपने इस पॉइंट पे ये डिसाइड कर लिया है, तो कहीं से भी कर्ज उधार करके ना, अगर आप मैकबुक ख़रीदते हो अभी राइट नाउ, न्यू बॉक्स पैक की बात कर रहा हूँ, न्यू बॉक्स पैक या थोड़ा सा चला हुआ ख़रीद लेते हो अभी राइट नाउ, तो आज से 2 साल बाद यू वॉन्ट रिग्रेट। आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने क्यों ले लिया, ये अफसोस नहीं होगा आपको, सही है। तो ये एक सजेशन है, इसको सजेशन की तरह लेना, ठीक है। बाकी जो भी डिसीजन लेना वो अपनी सोच समझ करके लेना, ये मेरी जस्ट सजेशन है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। नहीं यार देखो, अब ये छिनने वाली बात ना, ये बहुत दूसरी डिस्कशन है ये, ठीक है। आप जब शो ऑफ करोगे तो जाहिर है फिर तो छिनेगा, ठीक है। तो बाकी दूसरा ये कि जब घर से निकला करो तो दुआ पढ़ के निकला करो, और देखो ज़्यादा छिनता विनता होनी चाहिए जो शो ऑफ करता है, आप शो ऑफ नहीं करोगे तो नहीं छिनेगा, ठीक है। बाकी जो नसीब में अगर आपके लिखा हुआ होगा ना, आपके साथ इंसिडेंट होना, तो वो इंसिडेंट होके रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बिलीव उस पर भी रखना होता है कि यार जो होने वाली चीज़ होती है उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। दूसरा ये कि आप छोड़ो, अब वो लंबी डिस्कशन है, उसमें अभी मैं जाना नहीं चाह रहा। तो भाई अगर इससे डरते रहोगे फिर तो डरते ही रहोगे ना ज़िंदगी भर। लोग तो पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं, तो सबसे तो नहीं छिन रहा। और एक और मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी तुम्हें, जो गधा गाड़ी चला रहा है, उसने गधा गाड़ी कितने की ख़रीदी हुई है पता है? चलो गधा गाड़ी का लेटेस्ट वर्जन है सुजुकी, ये लोडिंग सुजुकियाँ जो हैं,
जो स्कूल के बच्चे छोड़ने जाते हैं ना सुजुकी पे, ये सुजुकी कितने की है? 10 लाख तक की है ना। अगर पुराना मॉडल भी होगा ना कोई 80s का मॉडल होगा कोई, तो वो भी 6, 6.5, 5 लाख का है, चलता हुआ जो है अच्छी कंडीशन में जो है। तो एक सुजुकी वाला 5 लाख की सुजुकी चला के कितने का मारा है? महीने के 50,000 का मारा है। तो आप 2 लाख नहीं लगा सकते। अगर आपने 2 लाख लगाए हैं तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट वो सुजुकी वाले से भी कम है और कमा रहे आप उससे ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कमाएंगे, अगर अभी नहीं भी कमा रहे हैं तो कमा रहे आप उससे ज़्यादा हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट, अब अगर वो सुजुकी वाला ये सोचे कि यार मैंने 5 लाख की सुजुकी ली है, मैं इसको रात को बाहर खड़ी करता हूँ, क्योंकि वो फ्लैट में अगर रहता है तो वो घर पर थोड़ी खड़ी कर सकता है, वो तो बाहर रोड पर खड़ी होगी, कोई अगर इसको उठा के ले जाए, कोई चोरी कर ले, तो फिर तो वो सोचता ही रहेगा फिर। तो लिहाजा इस सोच से बाहर निकलें, ठीक है, और अल्लाह पे तवक्कल करें और दुआ पढ़ के निकला करें। इंशाल्लाह कोई ऐसा वाकया नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और अभी तो मैंने एक सुजुकी वाले की मिसाल दी है। नीचे ये जो चाय वाला है, आपको पता है इसने चेयर्स कितने की रखी हुई हैं? सिर्फ चेयर इसकी जो है ना, मैं नहीं वो बोलूँगा फिगर, आप बोलो पहले कितने की होंगी चेयर्स इसकी? 25-30 हज़ार की। कितना बोला उसने? नहीं, उसने कितना बोला जो तुम कह रहे हो क्या होगी? अच्छा, और ऑन एवरेज ना चाय वाली की जो दुकानें होती हैं ना, उस पर 5 लाख की चेयर्स होती हैं ऑन एवरेज, जो हमारे यहाँ जो चाय वाले बैठे हुए हैं सारे। क्योंकि आज से मैंने 2 साल पहले वो चेयर खरीदी थी अपने घर के लिए, तो 1500 की एक चेयर मिली थी, और उसने मुझे उसी वक्त कहा था कि कल ये चेयर 1800 की होने वाली है। उसने मुझे प्राइस लिस्ट दिखाई थी कि ये आ गई है कल, जो ये सारा माल पैक होकर रखा हुआ था, वो कह रहा था ये आ जाया है, कल से ये रेट लगेगा। वो दुकान बंद कर रहा था, उसने मुझे कहा कि कल ये 1800 की बेचूंगा मैं। और अभी वो कुर्सी पता है कितने की है? 3500 की कुर्सी है, जो अच्छी वाली है, फैलो की जो कुर्सी है अच्छी वाली, वो 3500 की है। तो नहीं, अच्छी वाली होती है भाई, क्या हो गया? चाय वालों के पास जितनी अच्छी कुर्सी होती है ना, उतनी कहीं पर भी नहीं होती। चमक रही होती है कुर्सी इसकी, और मैंने देखा है वो अच्छी वाली है। नहीं नहीं, सब जगह अच्छी वाली होती है भाई, मुझे पता है ना, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ उसके ऊपर डेली, मैं डेली यूज़र हूँ ना, चाय की दुकान पे जाता हूँ डेली मैं, तो वो अच्छी वाली होती है कुर्सी। जो सबसे अच्छी कुर्सी होती है ना चाय वाला, वो लेकर आता है, क्योंकि उस पर हर किस्म का बंदा बैठेगा आगे, उस पर शहजाद जैसा शरीफ आदमी बैठेगा, मेरे जैसा बदमाश भी बैठेगा, कोई ओवर वेट भी होगा वो भी बैठेगा। तो वो अगर लोकल वाली अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए नुकसान हो जाएगा। वो सबसे अच्छी वाली लेकर आता है दुकान से जाके, सही है, लोकल वाली कभी भी नहीं लाएगा, वो 2 दिन में टूट जाएगी, क्या फ़ायदा। तो अब 3000 की या चलो 2500 की भी अगर एक चेयर है, तो 10 चेयर कितने की हुई? एक ज़ीरो लगा लो, सही है। 100 चेयर कितने की हुई? 2 ज़ीरो लगा लो, 2.5 लाख। टेबल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, टेबल स्टील की होती है आमतौर पर इनकी। एक टेबल जो वो स्टील की है ना, वो कम से कम 25,000 की बनेगी इस वक्त अगर आप बनवाएंगे तो। तो 5 लाख हो गए, ये हो गए नहीं हो गए, ठीक है। तो चाय के जो दुकान वाला है ना, उसने 5 लाख की सिर्फ चेयर सजाई हुई है। तो आप अगर 2 लाख का लैपटॉप ले रहे हैं या 3 लाख का लैपटॉप ले रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पॉइंट ये है बताने का। हाँ, वेल, अब तो वो मार्केट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, बट मैंने एक आपको रफ़ फिगर बताया है। हाँ, मैं रफली आपको ये बता रहा हूँ कि ये हो रहा है। आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ये एक लैपटॉप ख़रीदना है और एक इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। जितने भी दूसरे बिज़नेस है ना, इसमें इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न कम है। इसमें रिटर्न ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एक लैपटॉप है। और अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा अच्छा लैपटॉप ले ले बंदा, तो क्या बुरा यार, कुछ भी नहीं है। असूलन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, असूलन मुझे तो $2400 वाला जो सबसे हाई एंड है ना, वो रखना चाहिए, ठीक है, असूलन मुझे वो रखना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इससे मेरा काम हो रहा है। ये पहला बॉक्स पैक लैपटॉप लिया था मैंने, इससे पहले जो मेरे पास था वो मैंने यूज़ लिया था, तो लेकिन फिर उससे तंग हो गया था मैं, वो गरम वरम होता था, पुराना मॉडल था वो। तो मैंने ये थोड़ा सा स्लाइटली बॉक्स पैक ही था, ये ऑलमोस्ट स्लाइटली यूज़ हुआ था 2-4 दिन। तो ये मैंने, मेरा पहला बॉक्स पैक था। अब नेक्स्ट जो लूँगा मैं इंशाल्लाह, वो सबसे हाई एंड लूँगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि कोई दूसरी कंपनी बेवकूफ़ बना रही है सर, कुछ भी नहीं कर रही वो। तो असूलन आप लोगों के पास भी जो मैक का सबसे हाई एंड वाला लैपटॉप है ना, क्योंकि यार ये आपका औजार है, ये आपका इक्विपमेंट है, आपका आपकी इन्वेस्टमेंट है,
सही है। अब एक वॉरियर अगर मैदान में उतरा हुआ है ना, तो उसके पास उसकी तलवार सबसे शार्प होनी चाहिए। अगर एक वॉरियर मैदान में जंग लड़ रहा है, तलवार वाली जंग की अब तो खैर दौर चला गया, लेकिन उसकी तलवार कितनी शार्प है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, वो कितने बंदे मारेगा या वो कितने एफिशिएंट रहेगा उसमें। उसकी तलवार शार्प नहीं है, अगर दूसरे सामने वाले की ज़्यादा शार्प है तो वो जीत जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, है कि नहीं। तो भाई ये वाला चक्कर है। या अभी तुम अभी तो नया वाला वेपन तो वो है ना, गन्स है। अब एक बंदे के पास वो बोल्ट एक्शन है, कड़ाक कड़ाक ढिजुम कड़ाक कड़ाक ढिजुम वाली एक एक करके, और एक के पास ऑटोमेटिक है जिसमें एक ही दफ़ा लोड होती है पूरा मैगजीन खाली होता है, तो कौन जीतेगा जंग? जो नया वाला होगा ना, जिसके पास जदीद आइटम होगा वो जीतेगा, है ना। फिर डिस्टेंस वगैरह तो सबसे हाई एंड होना चाहिए असूलन लैपटॉप आपके पास, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया ना इसी करियर में रहना है। बोलो। हाँ, जो जॉब करते हैं उनको कंपनी देती है, लेकिन कंपनी जो देती है ना वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है वो भी, ठीक है। कंपनीज जो लैपटॉप ख़रीद के देती हैं वो सबसे थका हुआ ख़रीद के देती हैं, होता बॉक्स पैक है वो, लेकिन सबसे थका हुआ ख़रीद के देती हैं। वेल, खैर कंपनी में अगर हो तो अगर आईफोन से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, वो तो मैकबुक के अलावा होता नहीं है, लेकिन स्टिल कंपनीज जो है ना वही पाकिस्तानी सेट है ना, पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है। वो मेरे दिमाग वाला सेट है, वो सोचता है यार हैकिंटॉश में कर लेते हैं ना, विंडोज़ पे भी है और सस्ता भी है और सब कुछ हो तो जाता है, थोड़ा टाइम ही तो ज़्यादा लगता है और टाइम ही की तो असल वैल्यू है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी जो है ना वो पैसे बचाने की करती हैं, लेकिन अगर आप उनको कन्वेंस कर सकते हैं तो कन्वेंस कर लें कि यार टाइम बच रहा है तो पैसे बच रहे हैं, ये कन्वेंस कर सकते हैं आप तो कर लें उनको। वेल, स्टिल अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो असूलन आपके पास अपना लैपटॉप फिर भी होना चाहिए, है ना। घर पे भी आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लैपटॉप अपना होना चाहिए उसके बावजूद भी। लिंक वाले टैग में यहाँ पे हाँ, ये एक्चुअली चल नहीं रहा, ये इसी पे ही एरर दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और गड़बड़ की है, वो गड़बड़ मैंने ये की है, उन्होंने तो वेब के हिसाब से बताया हुआ है ना कि अंदर आपको ये डायरेक्ट ऐसे देना है, ये तो हम रिएक्ट नेटिव पे, तो रिएक्ट नेटिव पे हमें स्टिल जो है ना ये काम करना पड़ेगा, इसको ये टेक्स्ट करके देना पड़ेगा। सही है, वो असल में उन्होंने वेब के हिसाब से बताया हुआ, इसलिए उन्होंने नहीं दिया हुआ, हमें ये देना पड़ेगा इसको। सही है। अच्छा, ये एरर अभी भी अपनी जगह पर है स्टिल। कौन सा टैक्स खाली है? अच्छा, ऊपर वाले में चलो कुछ लिख देते हैं। नहीं, अभी भी एरर दे रहा है। एरर इज लोकेटेड एट दिस वॉयलेशन व्यू कॉन्फिग गेटर कॉल बैक फॉर कंपोनेंट ए मस्ट बी अ फंक्शन रिसीव अनडिफाइंड। ये मैं किस पे लॉगिन डॉट टी एस पे खड़ा हुआ हूँ ना। नहीं यार, ये इस पे मसला कर रहे हैं। इज एक्टिव हटा देते हैं, ये तो स्टाइल का प्रॉप है ना इसके, ये तो स्टाइल का प्रॉप है। ये कोई कह रहा है कि इंटरनली ना इसको कहीं पे एंकर टैग है कोई। अच्छा, जाहिर है ये वेब में, क्योंकि नैव लिंक जो होता है उसमें अंदर एंकर टैग होता है, वो कह रहा है एंकर टैग में ना कोई चीज़ नहीं मिल रही उसको, तो इसका मतलब ये वेब में चलेगा, ये रिएक्ट नेटिव में चलेगा ही नहीं, ये रिएक्ट नेटिव में नहीं चलेगा, ये सिर्फ वेब में ही चलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इसने ये नैव लिंक जो इम्पोर्ट करवाया हुआ है ना, ये मैंने नोटिस नहीं किया था पहले कि ये वेब वाले में से हो रहा है, ये वेब वाली लाइब्रेरी है, और जो नेटिव वाली लाइब्रेरी है वो ये है,
वो ये वाली है, ठीक है। तो इसी में हमें कोई इज़ एक्टिव करके ना कोई करना पड़ेगा कोई सेटिंग, ताकि वो इज़ एक्टिव में जो कलर उसका डार्क हो जाता है ना वो सही हो जाए। हाँ बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, अंडर ले कलर और क्या, ट्रांसपेरेंट। दोस्त ने एक बताया है, हाँ यार हो गया, सही हो गया, सही बताया तुमने। पीछे क्या होता है? अच्छा 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 जी। तो अब हम एक नया इसमें पेज बनाने लगे हैं, मोबाइल में जाते हैं हम, कंपोनेंट्स में जाते हैं, कंपोनेंट्स नहीं इसको आमतौर पे व्यूज़ नाम देते हैं, लेकिन मैंने कंपोनेंट दे दिया तो खैर एक ही बात है। और साइन अप के बाद जो है ना एक और मैं पेस्ट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ यूज़र लिस्ट, यही नाम रखा था हमने वेब में भी यूज़र लिस्ट। अच्छा यूज़र लिस्ट में हमने क्या करना है, अच्छा यूज़र लिस्ट में हमने क्या करना है, तमाम यूज़र की ना लिस्ट दिखानी है। कहाँ से लाके, मेरे जो सर्वर है वहाँ से लाके दिखानी है मुझे। अच्छा इसके कंपोनेंट का जो नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम लॉगिन नहीं होगा बल्कि अब क्या होगा, यूज़र लिस्ट होगा, सही है यूज़र लिस्ट इसका नाम है। अच्छा इस यूज़र लिस्ट के अंदर मुझे ये वाले स्टेट ज़ाहिर है अब नहीं चाहिए मुझे, ये जो चार स्टेट मैंने बनाया था। हाँ लोडिंग रख लेता हूँ मैं, क्योंकि जब यूज़र जब लोड हो रहा होगा उस वक्त मैं लोडिंग दिखा सकूँ ताकि। अच्छा ये सारे रेफ भी मैं हटा देता हूँ, सही है इस लोडिंग सिर्फ मुझे चाहिए, उसके अलावा सबमिट हैंडल सबमिट भी मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, ये पूरा फंक्शन मैं हटा देता हूँ इसमें से। अच्छा इसमें स्क्रॉल व्यू होगा क्योंकि यूज़र ज़ाहिर है एक से ज़्यादा होगा मेरे पास, स्क्रीन से ज़्यादा भी हो सकता है, तो स्क्रॉल व्यू के अंदर ही होगा जो भी कुछ कर रहा हूँगा मैं। अच्छा उसके बाद एक टेक्स्ट लगा दूंगा मैं जिसमें अभी SMIT चैट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यूज़र्स मिसाल के तौर पे, ठीक है। और ये सब हेडिंग हटा दूंगा मैं इसमें से। अब उसके बाद एक व्यू है मेरे पास जो कि इनपुट है, इनपुट मुझे नहीं चाहिए होगा, बल्कि चाहिए होगा, एक इनपुट मेरे पास था सर्च करने के लिए, तो एक इनपुट मैं रहने देता हूँ, बाकी ये नीचे जो इनपुट्स हैं सारे इसको मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा इस इनपुट के साथ एक बटन भी है मेरे पास, इस बटन के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड क्यों लिखा हुआ है यार, नहीं वो लास्ट में एक बटन था ना मेरे पास। अच्छा अच्छा सही सही, ये फॉरगेट पासवर्ड के बाद सबमिट का बटन है ही नहीं यार, कहाँ गया, एक मिनट इसको ज़रा डिस्प्ले करवा देते हैं ना फ्रंट एंड पे, मैं इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। मैंने कहा साइन अप के ऊपर ना अभी कौन सी करवा दो, यूज़र लिस्ट, ठीक है यूज़र लिस्ट ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, कर लेते हैं इंपोर्ट। आ जाते हैं जी, सही है ये हम यूज़र्स के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा ये साइन अप का जो बटन है अभी भी शो हो तो रहा है, ओके गॉट इट, ये हमने इसको कंडीशनल बनाया हुआ एक्चुअली, बस ये फॉरगेट पासवर्ड को हटा देते हैं, सही है इसको हमने कंडीशनल बनाया हुआ है कि ये बटन होगा और इस पर क्लिक करने से ही हैंडल सबमिट होगा। अच्छा हैंडल सबमिट को छोड़ के अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसमें सर्च का एक एलिमेंट लगा देता हूँ मैं कि यार क्लिक करूँ तो वो क्या करे, इस इनपुट बॉक्स में से चीज़ें उठा के सर्च पे ले जाए, ठीक है। सर्च यूज़र का मैंने फंक्शन चला दिया इसके ऊपर। अच्छा और टेक्स्ट के ऊपर मैं लगा देता हूँ सर्च, ठीक है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए कि बटन नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली, राइट मुझे बटन नहीं चाहिए इस पर, बस सर्च लिख के जो है ना और एंटर करे बंदा और
ऑटोमेटिकली सर्च हो जाए। अच्छा ये काम मैं कैसे करना था फिर हमें, लोडिंग मुझे स्टिल चाहिए हाउएवर, ठीक है लोडिंग मुझे चाहिए होगा ताकि जब वो सर्च कर रहा हो तो मैं लोडिंग दिखा सकूँ। तो मैं इस बटन को ना टोटली गायब करवा देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई लोडिंग हो रही हो तो लोडर दिखा दो, बटन नहीं दिखाओ इसको। हाँ मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। अच्छा ये लॉगिन नीचे एक और लगा हुआ है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, सर्च लिखा हुआ होना चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट नेम को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, सही है सर्च यूज़र्स ऐसे लिखा हुआ। यहाँ पे मैं लिखूँ भाई जॉन, और जॉन लिख के मैं एंटर करूँ तो वो चल पड़े। अच्छा हैंडल चेंज के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना क्या कहते हैं सेट फर्स्ट नेम, ये सेट फर्स्ट नेम क्योंकि मैंने स्टेट उड़ा दिया है वो वाला, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए होगा सर्च के लिए एक स्टेट चाहिए होगा क्वेरी टेक्स्ट, सही है ये चाहिए होगा मुझे, और इसके साथ मैं लिखूँगा कि सेट क्वेरी टेक्स्ट, यही हमने वहाँ पे भी किया था रिएक्ट की ऐप में, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सेट क्वेरी टेक्स्ट। तो जो भी बंदा लिख रहा होगा वो उस स्टेट में जाके सेव हो ताकि जब भी मैं एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को लेकर सर्वर पे जाए सर्च करने के लिए। अच्छा और सही है, इस पर एरर क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अच्छा अच्छा ये क्वेरी टेक्स्ट तो शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ना, सही है। ऑटो फोकस है, जैसे ही ये पेज लोड हो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए इस टेक्स्ट फील्ड पे। प्लेस होल्डर ये आ गया, इनपुट की स्टाइलिंग ये आ गई, ऑटो करेक्ट फॉल्स किया हुआ है, ठीक है प्लेस होल्डर का कलर है। रिटर्न टाइप इसके अंदर नेक्स्ट की जगह मैं क्या करूँगा, मेरे पास रिटर्न टाइप चार तरह की है ना, क्या था यार, डन, सही है रिटर्न टाइप को मैं डन कर देता हूँ। अच्छा ऑन सबमिट एडिटिंग, ऑन सबमिट एडिटिंग कब चलता है, जब मैं एडिटिंग करने के बाद कीबोर्ड से सर्च का बटन प्रेस करता हूँ तो ये वाला चलता है फंक्शन। इस पर मैं लगा दूंगा कि यार सर्च यूज़र, सही है सर्च यूज़र का एक फंक्शन है जो कि अभी मौजूद नहीं है, अभी हम ऊपर जाके इस फंक्शन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। इस फंक्शन को तैयार करने के लिए मुझे यहाँ पे ये चाहिए, और इसके अंदर मैं एक्सियोस की एक रिक्वेस्ट लगाऊंगा ऑब्वियसली, तो एक्सियोस की जो रिक्वेस्ट लगाऊंगा वो मैं साइनअप के फंक्शन से उठा के ले आता हूँ ताकि मुझे वो पूरा लिखना ना पड़े दोबारा, ठीक है। ये ट्राई कैच का पूरा चक्कर है, ये पूरा उठा लिया मैंने यहाँ से, और इसके अंदर जो रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं, इसके अंदर जो रिक्वेस्ट भेजता हूँ वो किसी और पे भेजता हूँ स्लैश साइनअप में। अब मैं भेजूँगा स्लैश यूज़र पे, ठीक है देख लेंगे हम बाद में कि वो क्या था। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेरी टेक्स्ट, कॉमन क्वेरी टेक्स्ट, ठीक है एग्जैक्टली अभी मैंने यही रखा था या क्या रखा था मुझे याद नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में इसको सही कर लेंगे सर्वर से देख के, ठीक है। सेट लोडिंग को मैंने ट्रू करवा दिया है फंक्शन चलते ही, और विद क्रेडेंशियल्स मैंने ट्रू किया है क्योंकि मैंने लॉगिन साइनअप बना लिया, तो अगर बंदे ने लॉगिन किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्रेडेंशियल लेकर जाएगा साथ में, ठीक है। रिस्पॉन्स को मैंने कॉन्सोल करवाया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को करवाना चाहिए मुझे कॉन्सोल, ताकि कॉन्सोल में बहुत बड़ा डेटा ना आ जाए, ठीक है। अलर्ट मैंने एक मैसेज करवा दिया है, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको अलर्ट किया जाएगा मैसेज के थ्रू, बट इस केस में शायद अलर्ट करवाना मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ लोडर चले और उसके बाद यूज़र आ जाए या तो लिखा हुआ जाए नो यूज़र्स, ठीक है। लोडिंग को फॉल्स करवा दूंगा मैं, जैसे ही रिस्पॉन्स आता है लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, एरर आने की सूरत में एरर को अलर्ट किया जाएगा और लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। तो ये मेरा काम जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट हो गया है। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि जब मेरे पास से डेटा जब आएगा तो उसको किस स्टेट में सेव करवाना है, तो यहाँ पर मैं एक नई स्टेट बनाऊँगा, ठीक है यूज़र्स के नाम से, ठीक है यूज़र्स और सेट यूज़र्स, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे रखूँगा, एम्प्टी एरे होगा ये। नीचे जाके मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल व्यू के नीचे मज़ीद स्क्रॉल व्यू के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट हो गया है और एक पहला व्यू हो गया है सर्च वाला ये, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद में क्या करूँगा, एक दूसरा व्यू बना दूँगा, एक दूसरा व्यू बना दूंगा मैं, और इस व्यू के अंदर मैंने क्या करना है,
एक लिस्ट तैयार करनी है, यूज़र्स की एक लिस्ट मुझे दिखानी है। तो कोर कंपोनेंट में मुझे लिस्ट दिखाने के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, फ्लैट लिस्ट करके एक चीज़ मौजूद है मेरे पास, जो मेरे पास रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स में मौजूद है। अच्छा, लेकिन उससे पहले क्या मुझे ये इंटरनेट पे भेजी गई रिक्वेस्ट को सही कर लेना चाहिए? हाँ, कर लेते हैं। सर्वर पे चलते हैं, सर्वर पे चल के हम APIs में जाते हैं, APIs में नहीं, सॉरी, वो मैंने इंडेक्स में ही किया था सारा काम, सर्वर के इंडेक्स में ही किया हुआ था। गेट यूज़र, और गेट यूज़र की अगर मैं ID देता हूँ तो ये हो जाता है, ये वाला नहीं है। ये तो मैसेज हो गया, ये मैसेज हो गया, ये वाला था स्लैश यूजर्स, ये तो ID लगी हुई है ना इसमें। अच्छा अच्छा इसी में लगा हुआ है, ये इसी में लगा हुआ है। अच्छा, request.query.queue करके अगर मुझे चीज़ मिलती है तो क्वेरी लगती है, और अदरवाइज तमाम यूज़र मिल जाते हैं। नहीं, ये इस प्रोफाइल में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ फिर? नहीं, इसमें भी तो यही हो रहा है ना। चलो खैर, वो डबल हो गई है असल में ना, ये जो स्लैश प्रोफाइल है। अच्छा, ये एक यूज़र को गेट करने की है, ये ज़्यादा यूज़र को गेट करने की है, इसमें S नहीं लगा हुआ, सही है, डिफरेंट है, दोनों डबल नहीं है, सही बना हुआ, सही है। ये प्रोफाइल या तो अपनी गेट होगी या तो किसी एक बंदे की होगी, ठीक है। ये यूज़र्स कॉल करूँगा मैं, तो मैं कहूँगा API/V1/user और request.query.queue करके मुझे देना है उसको। ओके, यूज़र में S लगेगा और इसके बाद स्लैश सॉरी क्वेश्चन मार्क करके q इक्वल्स टू करके ये क्वेरी टेक्स्ट यहाँ पे लगा दूँगा। सही है, लाइक दैट। और इसमें क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट होगी तो इसमें ये सब नहीं लगेगा, ये गेट की रिक्वेस्ट होगी, नॉट पोस्ट। सही है, exios.get और ये पूरा URL हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन हो गया जिसमें क्रेडेंशियल ट्रू मैंने लगा दिए, तो ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी ये बिल्कुल सॉलिड हो गई है, सही हो गई है। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, वो जो एम्प्टी एरे ऊपर मैंने सेट किया हुआ है यूज़र्स के लिए, उस एम्प्टी एरे पे यहाँ पे नीचे कुछ मैप चलाना है मैंने, और उसके लिए मुझे फ्लैट लिस्ट नाम की एक चीज़ मौजूद है, रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स, अच्छा मेरे पास एक फ्लैट लिस्ट है, इसका व्यू क्यों नहीं दिख रहा? वेल, एक सेक्शन लिस्ट है, इसका भी व्यू नहीं दिख रहा, क्या हुआ भाई? ये सेक्शन लिस्ट है, और एक मेरे पास है विजुअलाइज लिस्ट। तो इन तीनों में से मेरे पास बेहतर क्या रहेगा? मेरे पास रहेगा फ्लैट लिस्ट बेहतर शायद, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मुझे चाहिए होंगी शायद। फुल क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, ऑप्शनल हॉरिजॉन्टल मोड भी हो सकता है इसमें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए नहीं मुझे बट हो सकता है। कॉन्फ़िगरेबल व्यूएबिलिटी कॉल बैक, सही है, व्यूएबिलिटी पे कॉल बैक मिल रहा है कि कौन सी चीज़ व्यूएबल है या नहीं है, उस पर कॉल बैक फंक्शन लगा सकता हूँ मैं। हेडर सपोर्ट है, फूटर सपोर्ट है, सेपरेटर सपोर्ट, सेपरेटर में एक बारीक सी लाइन आ जाती है जो सेपरेट करती है दो आइटम्स को। पुल टू रिफ्रेश भी लग सकता है, अच्छा पुल टू रिफ्रेश बिल्टन है इसके अंदर, गुड है, अच्छा ठीक है। पुल टू रिफ्रेश यानी नीचे खींचते हैं हम तो वो, फिर छोड़ते हैं तो वो उसको रिफ्रेश करता है। पुल टू रिफ्रेश में जस्ट ये होता है कि एक फंक्शन होता है वो हम चला देते हैं, क्योंकि स्टेट मेरे पास पुल टू रिफ्रेश करने से स्टेट गायब नहीं होती, स्टेट रहती है,
ठीक है, तो जब पुल करके मैं छोड़ूंगा ना तो स्टेट मिली भी होती है, तो मैं वही टेक्स्ट दोबारा सबमिट करूंगा, दोबारा से सर्च करके ले आएगा वो। स्क्रॉल लोडिंग, स्क्रॉल लोडिंग उसको कह लो या इनफाइनाइट लोडिंग कह लो, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है। और मल्टी कॉलम सपोर्ट भी इसके अंदर है। खैर, मुझे चाहिए तस्वीर के और उसके साथ, है ना, फ़ोटो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ चाहिए मुझे। इसमें कोई एग्जांपल इन्होंने ऐसी बताई हुई है फ़ोटो के साथ वाली? नहीं बताई हुई है। खैर, नहीं बताई हुई है तो हम क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट दोनों में एग्जांपल है ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो एग्जांपल जो बताई है इन्होंने, ये ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट आया हुआ है और दूसरे में भी ऐसे ही है। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। सर मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा, दो एग्जांपल एक ही दफ़ा करके दिखाई है इसमें। अच्छा, ये जो तमाम इम्पोर्ट्स हैं मेरे पास, इन तमाम इम्पोर्ट्स को पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। रिएक्ट नेटिव में से ये सारे के सारे इम्पोर्ट हुए हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्ट डुप्लीकेट हो रहा है, उसको उड़ा देता हूँ मैं। अच्छा, फ्लैट लिस्ट भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अच्छा, कॉमा नहीं लगाया हुआ। ठीक है जी, अच्छा भी आ जाओ नीचे। अब इस व्यू के अंदर मुझे लाके ये, अच्छा एक फेक डेटा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं ये फेक डेटा कहाँ पे रख दूंगा फिलहाल? ये मैं अपने स्टेट के अंदर रख दूंगा, जो कि ऑब्वियसली स्टेट में तो मेरे पास सर्वर से आ रहा होगा डेटा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं स्टेट में ना ये डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें एक यूनिक आईडी है और टाइटल है, एक दो चीज़ें हैं। मेरे केस में क्या होगा, यहाँ पे यूज़र की आईडी होगी, यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, यूज़र की फ़ोटो होगी, काइंड ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ईमेल भी होगा उसका मेरे पास, एक पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा मुझे। अच्छा, आगे मैंने क्या किया भाई, फ्लैट लिस्ट को यहाँ से ऐसे कॉपी किया, यहाँ नीचे व्यू में ले जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये क्या हुआ, अच्छा वो सही तरह कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली, सही है, अब सेट हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लैट लिस्ट के अंदर जो रेंडर आइटम है इसके अंदर एक लूप चला के ना एक दूसरा कंपोनेंट प्रिंट करवाया हुआ है, जो कंपोनेंट ऊपर अलग से तैयार किया हुआ है। तो हम भी यही अप्रोच कर लेते हैं, हम ये आइटम के नाम से ना एक कंपोनेंट पूरा बनाएंगे, जो सिंगल आइटम पूरा उसमें हम डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिंगल आइटम थोड़ा सा ज़्यादा, यानी एक साइड पे फ़ोटो होगी, उसमें एक ऊपर टाइटल होगा, एक नीचे टाइटल होगा, एक साइड पे शायद उसके कोई आइकन भी लगा हुआ कुछ ना कुछ, तो हमारा आइटम क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा इससे कहीं ज़्यादा, तो हम उसको इसी तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्होंने तो प्रॉप के तौर पे दिया हुआ है ना इसको, ये प्रॉप पास किया हुआ है, हम ये पूरा आइटम ही इसको पास कर देंगे प्रॉप करके। की एक्सट्रैक्टर, कोई एक चीज़ मुझे की भी बतानी पड़ेगी तो आइटम डॉट आई डी को बाई डिफ़ॉल्ट ये की कंसिडर कर लेगा, जो मेरे आने वाले आइटम के अंदर जो कीज़, कोई यूनिक आई डी कोई ऐसी चीज़ होगी उसको की के तौर पे यहाँ पे बता दूंगा मैं। अच्छा, आ जाते हैं, और ये छोटा सा कंपोनेंट इसने ये ऊपर टॉप पे बनाया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको कहाँ रख देता हूँ, लागे टॉप में ही रख देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ये टाइटल जो है ना ये तो एनी हो जाएगा, सही है, हाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट एनी है ना, तो करना क्या है, बाइंडिंग एलिमेंट इम्प्लिसिट हैज़ एनी टाइप, ये असल में चक्कर ये है, मैंने जावास्क्रिप्ट वाली एग्जांपल खोली भी है, टाइप स्क्रिप्ट वाले में आऊँगा ना तो ये मसले उसमें पहले से ही इसने सेट किए हुए हैं, देख रहे हो, आइटम प्रॉप करके इसने बताया हुआ है कि ऐसे होगा, तो हम क्या करते हैं टाइप स्क्रिप्ट वाला ले लेते हैं, गो के हम इसको
जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी बना सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन बेहतर ये है कि हम टाइपस्क्रिप्ट की थोड़ी थोड़ी सी आदत डालें, ठीक है। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा हो तो आप जावास्क्रिप्ट में कर लीजिएगा कन्वर्ट, लेकिन फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं टाइपस्क्रिप्ट करके देखते हैं। इसकी टाइपिंग भी अलग से इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर, राइट, टाइप ऊपर बनाई हुई है। तो अगर मैं ये टाइप यहाँ से कॉपी करूँ पूरे को कट करके ऐसे और यहाँ पे लाके यहाँ रख दूँ तो भी एक ही बात है, सही है। अब ये जो आइटम है इसकी टाइपिंग कैसे की हुई है? अच्छा, इस वाले आइटम की टाइपिंग नहीं की है। अच्छा, और कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है तो ये मेरे पास ये क्यों दे रहा है एरर? जहाँ पे स्टाइल्स बनाए, स्टाइल्स कहाँ पे बनाए? स्टाइल्स ये बना हुआ है, स्टाइल स्टाइल की तो टाइपिंग नहीं है। स्टाइल्स बने हुए नहीं है, स्टाइल्स बने हुए। ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट, सही सही है, तो सही कह रहा है ना, आइटम तो है ही नहीं उस स्टाइल में, आइटम नहीं है, टाइटल नहीं है, जबी तो सही है, एरर सही दे रही है बिल्कुल। तो हम यहाँ से ये उठा लेते हैं ना, आइटम और टाइटल, मेरे स्टाइल में ये दोनों चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं, सही है, दोनों मैंने दे दिया उसको तो ये सेट हो गया बिल्कुल, सही है। अच्छा, ये मैं अगर इसको ना भी दूँ तो ये एनी करके तो एक्सेप्ट तो करेगा इसको ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेगा यार एक्सेप्ट, इम्प्लिसिट लेना, मैं उसको एक्सप्लिसिटली एनी दूंगा ऐसे करके, बस सेट हो गया ये, सही है। इम्प्लिसिटली वो एनी समझ रहा था तो एरर आ रहा था, मैंने उसको एक्सप्लिसिट दे दिया। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे अपना फेक डेटा थोड़ा सा बना लेते हैं। हमारे पास जो यूज़र आता है एक्चुअली वो कैसा आता है, वो वेब से मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा जो यूज़र है वो कैसा आता है वहाँ से, तो वेब से देख लिया जाए या पोस्टमैन चला लिया जाए थोड़ी देर के लिए, पोस्टमैन चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इस पॉइंट पे ना पोस्टमैन की कलेक्शन बहुत काम आती है, पोस्टमैन की कलेक्शन का आप सब लोगों को पता है? नहीं पता है, पोस्टमैन की ना एक नई कलेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हम। यम कैसे बनेगी ये कलेक्शन? ये क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, एक न्यू कलेक्शन बनाई मैंने और इस न्यू कलेक्शन का मैंने नाम रख दिया कि चैट ऐप, ठीक है, SMIT भी लिख देता हूँ, SMIT चैट ऐप APIs, ये मैंने कलेक्शन का नाम रख दिया। अब ये कलेक्शन ना कहीं नीचे जाके सेव हुई होगी, ये रहा SMIT, इस पर स्टार का बटन दबाऊंगा ना मैं तो ये उड़ के ऊपर आ जाती है टॉप पे, देख रहे हो कहाँ गई, कहाँ चली गई, ये लो ये तो गायब ही हो गई, नहीं अभी तक नीचे ही है ये, अब आ गई ऊपर, सही है। SMIT चैट APIs, इसको मैं खोलूंगा तो ये कलेक्शन अभी इस वक्त खाली है, मैं करूंगा ऐड अ रिक्वेस्ट, ऐड अ रिक्वेस्ट से भी पहले मैं क्या करूंगा, इसमें आके बोलूंगा मैं एक फ़ोल्डर बनाऊं, सही है, और इस फोल्डर में आके, अबे यार ये रीनेम कैसे होगा, सही है, इस फोल्डर फोल्डर का नाम कैसे चेंज होगा, हाँ यहाँ से चेंज होगा, मैंने कहा कि भाई ऑथ APIs है तो इसको मैंने ऑथ नाम रख दिया। अब इसमें करूँगा मैं ऐड अ रिक्वेस्ट, अब ऐड अ रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ पे URL लिखूँगा, एक URL क्या लिखूँगा, http://localhost:5001/ और API/v1/login, ये मेरी क्या हो गई, पोस्ट की रिक्वेस्ट हो गई, और इसको मैं कर दूँगा सेव। अब ये सेव हो गई है इधर, सही है, इस रिक्वेस्ट का नाम न्यू रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट का नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये लॉगिन है, सही है, ये लॉगिन है, सही है, तो यहाँ पे देखो लॉगिन बन के आ गई। अच्छा, अब इस कलेक्शन बनाने का फ़ायदा ये है कि इस पूरे कलेक्शन को मैं राइट क्लिक करके ना
इसको शेयर भी कर सकता हूँ, इम्पोर्ट कर सकता हूँ एज अ जिप फाइल या एज अ जेसन फाइल। तो ये मैं किसी को भी दूंगा, वो अपने पास सेव करेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा उसके पास। जैसे देखो ये हायरार्की करके एक ऐप है ना, इसके सारी APIs मेरे पास इस तरह सेव है, ठीक है। ये मैंने ही बनाई थी, किसी को देने की नौबत नहीं आई, मेरे पास यही है। लेकिन मेरे अपने डेवलपमेंट के टाइम पे ये मुझे काफ़ी हेल्प कर रही थी, ठीक है। ग्रुप्स को गेट करना है, क्रिएट करना है, करंट ऑपरेशन है पूरा, ठीक है। चिप्स हैं, सेंसर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऐसे करके। और इसी तरीके से मैं कुछ एक दो और तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये बिलाल AI असिस्टेंट है, ठीक है, फॉर मोबाइल ऐप, फॉर सर्वर साइड, ये अलग अलग है, साइन अप, लॉग इन, क्वेरी वेरी, ये सब इसके अंदर बनी हुई APIs, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तुम जितनी भी ऐप्स देखोगे ना मेरे पास, जो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे ये कनेक्ट पाथ करके है, अच्छा नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो पर सॉन्गिफाई करके एक बनाई थी ऐप मैंने, उसका ये API डॉक्यूमेंट है पूरा। तो ये ना ज़रूरी होता है, इसको अगर आप बना लें तो सही रहता है ये। वेल हम आ जाते हैं अपनी वाली API में, SMIT चैट ऐप, इसमें ऑथ की API बना दी मैंने। अब मैंने क्या करना है, बॉडी में जाके रॉ और जेसन ऐसे करके इसको मैंने पास करना है। ऑथेंटिकेशन में क्या क्या देता था मैं, यूज़र नेम, ईमेल देता था मैं, ठीक है, malik@sysborg.com ये कर दिया मैंने। और क्या दे दूं मैं इसको, पासवर्ड, फाइव सिक्स पासवर्ड था। अच्छा सेंड किया मैंने लॉगिन, सही है, लॉगिन सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉगिन सक्सेसफुल पे जो कुकीज़ आई थी क्या वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई है, इसका जवाब है हाँ, ऑटोमेटिकली सेव हो गई है, ठीक है। और मुझे जस्ट ये करना है कि अब अगली रिक्वेस्ट, जो सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट है ना, अगर मैं इसके रिस्पॉन्स का तुम्हें दिखाऊँ, नो अच्छा ये क्रेडेंशियल ट्रू यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है, सेटिंग में जाके होता है, पता नहीं कहीं से होता है। पूरा काम जो वेब एप्लीकेशन से होता है ना, वो यहाँ से भी हो सकता है। ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल ट्रू यार कैसे लगता है, इसके अंदर भूल गया मैं। रिक्वेस्ट हेडर सेक्शन, रिक्वेस्ट हेडर में जाके बस ये लिख तो हो जाएगा। गुड यार, तो अभी भी नहीं लेकर आया ये, सेट कुकी यहां से आ रहा है मेरे सर्वर से, लेकिन यहां सेट नहीं हो रहा, खुद से करना पड़ता है। बट यहां टॉप पे तो ये वाला भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं नहीं ENV तो दूसरी चीज है। वेल आई थिंक वो क्योंकि HTTPS कुकीज है ना, तो वो नजर नहीं आ रही कहीं पे मुझे, सही है, मे बी वो HTTPS कुकी है ना, इसलिए नजर नहीं आ रही कहीं पे। तो अब हम बनाते हैं अगला जो था ना, यूज़र्स वाला। अच्छा साइन अप भी इसमें करना चाहिए मुझे, बट मैं साइन अप नहीं कर रहा फ़िलहाल, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, जस्ट लॉग इन करके और मैं यूज़र गेट करने की कोशिश करूँगा। ऐड अ रिक्वेस्ट अबे ऐड अ रिक्वेस्ट का बटन कहाँ चला गया, ये रहा ऐड अ रिक्वेस्ट, मैंने कहा गेट यूज़र,
सर्च यूज़र। अच्छा सर्च यूज़र में अब मुझे ये HTTP और :// ये पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे कभी मेरा बेस URL चेंज हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना ये। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आके ना एक एनवायरनमेंट बनाऊँगा इसका, ठीक है। एनवायरनमेंट अब यह कहाँ से बनता था वो भी भूल गया हूँ। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे मेरे पास ना काफ़ी सारे एनवायरनमेंट तैयार हुए मैं बन के, हायरार्की डेव अरबियन कंसल्ट XYZ जो भी। मैं यहाँ पे एक नया एनवायरनमेंट तैयार करूँगा, सही है। अब नया एनवायरनमेंट बनाने का बटन भी नहीं आ रहा है इसमें, कहाँ से होता है, साइड में होता है, यहाँ एनवायरनमेंट्स। ओके अच्छा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट और मैं बोल देता हूँ इसका नाम SMIT चैट ENV, सही है, ऐसे करके बोल दिया। इसमें अब मुझे वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा, मैं कहूँगा बेस URL और टाइप इसकी जो है वो सीक्रेट तो खैर नहीं है, ये इनिशियल वैल्यू इसकी रख देता हूँ मैं HTTP:// localhost:5001, सही है। एक इनिशियल वैल्यू, एक करंट वैल्यू, क्योंकि फॉर थोड़ी देर के लिए उसको मैं चेंज करूँगा तो करंट वैल्यू चेंज करूँगा, इनिशियल को रहने दूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये सेव हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आते हुए जब ये मेरे नॉर्मल रिक्वेस्ट पर आया ना, यार इसको पूरे को जूम इन कर सकता हूँ क्या मैं, हाँ यार हो रहा है। अच्छा अब बजाय मैं ये पूरा लिखने के ना इतना सारा कुछ, इसको मैं उड़ा दूंगा इतने को, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आगे, अरे कैसे होता है वो, डॉलर से होता है कैसे होता है, बस डबल ऐसे लगा दूँ। अच्छा डबल होता है, ओके गॉट इट, वही कह रहा हूँ कलर चेंज नहीं हो रहा। बेस URL ऐसे करके लिखूँगा मैं, API V1 उसमें नहीं डालूंगा मैं क्योंकि वो बेस URL का पार्ट नहीं है वो। फिर अब जब सॉकेट आई ऑन कर रहे थे उस वक्त हमें फील हुआ था, ये रियलाइजेशन हुई थी कि बेस URL तक ही होना चाहिए, उसका पोस्ट फिक्स करके मैं दूसरा वेरिएबल बना लूँ तो वो सही है मतलब। लेकिन बेस URL में ना ये API V1 नहीं डालना चाहिए हमें। वेल अब मैं इसको जब बोलूँगा कि क्या मेरा था वो यूज़र्स था ना, और उसके बाद क्या, अच्छा ये दूसरे वाले में यही काम करूँगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ये जो मेरा लॉगिन था ना, लॉगिन पे भी जाके मैं ये बेस URL हटा दूँगा, ये वाला, इसकी जगह मैं ऐसे ऐसे लिखूँगा, सही है बेस URL। यहाँ पे हाथ रखते ही मुझे बता भी रहेगा इसकी वैल्यू क्या है, सही है। अभी मैं इसको भेजूँगा रिक्वेस्ट तो सही रिक्वेस्ट जाएगी, क्या हुआ 5000 लिख दिया था, अच्छा नहीं ये एनवायरनमेंट जी एक्टिवेट कोई और सा हुआ है, सही है। इसको कट करूँगा मैं और एनवायरनमेंट में जाके मैं वो वाला एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूँगा जो मैंने अभी बनाया है, सही है। अभी ये एनवायरनमेंट मेरा एक्टिवेट हो गया। अच्छा इसमें क्या लिखा है मैंने, 5001 ही तो लिखा है, सही है। हाँ वो मसला ये था, वो गलत एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ हुआ था कोने से, ये सही जा रहा है बिल्कुल अब। हाँ सही हो गया भाई। अच्छा अब जो गेट यूज़र्स वाला काम है मेरा, यहाँ पे आके मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए होगा विद क्रेडेंशियल्स वाला ना, यही बोला था ना इसने विद क्रेडेंशियल्स ट्रू लेके जाओ। हाँ वही, जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा जो टोकन आता है HTTPS कुकीज़ में, वो पोस्टमैन में एक तरीका होता है वो सेव हो जाता है, और वो एग्जैक्टली जैसे ब्राउज़र में जाता है साथ वैसे ही साथ जाता है। वो मैं देख रहा हूँ इंक्लूड HTTPS कुकीज़ पोस्टमैन, ये पोस्टमैन में कैसे होता है, सेंडिंग कुकीज़ विद पोस्टमैन। क्रोम एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, ओके
कह रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट में ना ये कुकीज़ छोटी सी लिखी हुई आ रही है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा माई डोमेन। अच्छा टोकन के नाम से देखो, कुकीज़ तो मौजूद है यहाँ, कुकीज़ बन चुकी है टोकन के नाम से, देख रहे हो जो मैंने रिक्वेस्ट की थी टोकन आया था वो इधर कुकीज़ में आ चुकी है, इधर शो हो रही है वो, सही है यहाँ पे शो होती है। अब ये सीन ये है, इसको भेजें कैसे अब अगली रिक्वेस्ट में, ये कह रहा है बेस्ड ऑन आरबीसी आंसर अबव आई ट्राइड पोस्टमैन नेटिव ऐप एंड गिव अ कपल ऑफ एडिशनल डिटेल्स दिस दिस दिस, एक्सट्रीम राइट पे जाके क्लिक करो, यू कैन सी द कुकीज़ फॉर योर लोकल होस्ट, दिस कुकीज़ लिंक विद द कुकीज़ ऑन योर क्रोम ब्राउजर दैट 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 रन नेटिवली। अब इसको भेजेंगे कैसे साथ में, यानी विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कुछ कहीं लगाना पड़ेगा जब ये जाएगी साथ में। अच्छा कह रहे हैं कि भाई क्या कर दो, इनेबल इंटरसेप्टर दिस वे। अच्छा ये सही आंसर जिसको माना गया है क्वेश्चन पूछने वाले की तरफ से वही है, यू कैन इनेबल इंटरसेप्टर इन द ब्राउजर एंड पोस्टमैन सेपरेटली, सेंड एंड रिसीव कुकीज़ यू शुड इनेबल द इंटरसेप्टर एंड पोस्टमैन एंड यू इनेबल इंटरसेप्टर ऑनलाइन ब्राउजर, बट इट वर्क्स एक्चुअली यू डोंट नीड टू इनेबल इंटरसेप्टर इन द ब्राउजर एट ऑल, यू वॉन्ट टू फ्लड योर पोस्टमैन हिस्ट्री अननेसेसरी रिक्वेस्ट। आई थिंक ये मुझे ना इसमें बेसिक ऑथ इनेबल करना चाहिए क्योंकि ऑथ में ना नन लगा हुआ है, इसमें मुझे बेसिक ऑथ इनेबल करूँगा मैं और फिर इसको मैं सेंड करूँगा। नहीं सर टोकन, टोकन का भी ऑप्शन होता है सर इसके अंदर, इसमें टोकन का नहीं दिख रहा ना मुझे ऑप्शन, बेयरर टोकन ये वाला। हाँ सर इससे भी आता है, ये रखवाना पड़ता है कहीं, नहीं नहीं ये HTTPS में साथ जाएगा, इंक्लूड होके जाएगा ये API की वाला भी नहीं है भाई। यार ये कैसे होता था, यार ये कैसे होता था मैं भूल गया बिल्कुल। एक काम करता हूँ, इस कुकी को डिलीट करता हूँ मैं और डिलीट करके दोबारा से मंगवाता हूँ नए सिरे से, ठीक है ये कुकीज़ आ गई नए सिरे से, सेव। अच्छा इंटरसेप्टर जो वो बता रहे हैं वो भी यहाँ पे इनेबल है, स्क्रीन अच्छा यहाँ पे कुछ इसने ये जिक्र किया हुआ है कि इंटरसेप्टर ना कनेक्ट्स द पोस्टमैन विद द ब्राउजर एक्सटेंशन, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, मे बी ये इंस्टॉल ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब ज़रा दोबारा हिट करके देखते हैं ये सर्च, नो यार एक बंदे ने आंसर किया है कि भाई मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया ये करने के बाद, और मुझे जो है ना ये कुकीज़ यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई हैं। कहाँ पे बता रहा है ये रिक्वेस्ट के टैब में बता रहा है कि वेल ये मेरे पास प्रॉब्लम हो रही है कि रिस्पांस में मेरे पास कुकीज़ नहीं आ रही इधर, ऐसी बताओ। अच्छा
अच्छा लास्ट जो मैंने किया था ना, मुझे भी ऐसा याद पड़ रहा है कि मैंने कुछ किया भी या नहीं था, वो खुद हो रहा था, खुद ही होता है वो। हाँ ये कह रहे हैं कि कुकीज़ यहाँ पे सेट हो गई सारी, ठीक है मेरी कुकी यहाँ तक तो आ रही है ना। सेंडिंग कुकी विद अ रिक्वेस्ट, अच्छा कह रहा है कुकी पे चेक लगाओ और ये पूरी वो भेज दो। दिस हेडर वाज ऑटोमेटिकली एडेड, यही तो है ना, मेरे केस में ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है। एडिंग अ डोमेन, मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हो रहा। अच्छा ये कह रहा है हिडन को शो करो, आ जाओ हिडन को शो कर देते हैं। हिडन तो शो है। अच्छा ये विद क्रेडेंशियल वाला तो चक्कर है ही नहीं ना, तो विद क्रेडेंशियल को तो मैं हटा दूँ। अच्छा इसने कोई और स्पेसिफिक चीज़ बताई थी क्या? यू कैन ऑल्सो सेट एडिट कुकी सेट, अच्छा कुकी जो है वो डोमेन नेम के साथ एसोसिएटेड होती है, तो मेरे केस में जो डोमेन नेम है मेरा वो लोकल होस्ट है, तो सही है मेरे नाम के साथ एसोसिएट है तो सही। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि खुद चलना चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ है मेरे पास, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का इशू है। वेल आओ इज्जत से जो है, इज्जत से वेब चलाते हैं इसका। और npm स्टार्ट, तो हमें ये देखना था कि हमारे पास जो यूज़र की जो क्या जो रिस्पांस आता है वो आता कैसा है, हमें एक डमी डेटा सेट चाहिए था। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरह का रिस्पांस आता है मेरे पास, तो इस रिस्पांस को मैं क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ,
कॉपी ऑब्जेक्ट करके मैं एक्चुअल डेटा यहाँ ला के कॉपी कर देता हूँ। सही है, एक्चुअल डेटा मैंने यहाँ पे लाके ना वो सर्वर से जो आता था वैसा ही रिस्पांस डमी यहाँ पे लाके मैंने फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर दिया है, तो मुझे इसी तरह की चीज़ मिला करेगी, फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा, ईमेल मिलेगा और मी के आगे ट्रू लगा हुआ आएगा अगर किसी में मी लिखा हुआ हुआ तो। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि ये जो टाइटल और ये हुआ करता था ना, असल में मुझे ये चाहिए था कि इसमें टाइटल मिलता है क्या मिलता है हमारे केस में। तो हमारे केस में जो एक यूज़र है इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मिलता है और अंडर स्कोर आईडी मिलता है, तो मुझे जो की एक्सट्रैक्टर है उसमें पहले तो अंडर स्कोर आईडी बतानी है कि भाई की एक्सट्रैक्टर जो है ना वो अंडर स्कोर आईडी है आपके हर आइटम में से, ठीक है। फिर मुझे ये जो आइटम डिस्प्ले करवाना है इसका नाम होगा कि इस कंपोनेंट का नाम चलो आइटम ही रहने देते हैं, और इसमें टाइटल करके नहीं इसमें बल्कि मुझे यूज़र करके जो है ना ये पूरा आइटम देना है, ये पूरा आइटम दे दूंगा मैं ताकि अंदर इसमें से जो भी दिल करे मेरा मैं निकालता हूँ, ठीक है। इस आइटम को पूरा मैंने यूज़र का ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दे दिया जो हर दफ़ा मिलता है। अच्छा, और ये जो डेटा है ये मेरा डेटा के नाम से नहीं है, ये मेरा किस नाम से, यूज़र लिस्ट के नाम से, तो ये मैंने यूज़र लिस्ट यहाँ पर इसको दे दिया, यूज़र लिस्ट का यू कैपिटल था क्या, क्या था, अच्छा यूज़र सही है, यूज़र लिस्ट नहीं है, सही है, ये यूज़र्स है जो कि मुझे सर्वर से डेटा जो मिल रहा है वो यूज़र से, ठीक हो गया जी। अब इस यूज़र में एक टेक्स्ट मुझे चाहिए जिसमें मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करवाऊंगा, राइट। यूज़र डॉट फर्स्ट नेम यूज़र डॉट लास्ट नेम, सही है, एक लाइन का टेक्स्ट ये डिस्प्ले हो गया। अगली लाइन में मैं क्या डिस्प्ले करवाऊँगा, वेब में क्या डिस्प्ले करवाता था मैं, ईमेल और ईमेल डिस्प्ले करवाता था अगली लाइन में, मैं कहता हूँ कि भाई अब आप आ जाओ यूज़र डॉट ईमेल, देख लेते हैं मेरे मोबाइल ऐप में ये कैसा दिख रहा है, ये क्या हुआ है इसको, अच्छा ये जो है ना सम टाइम क्या हो जाता है इसको, ये स्टक हो जाता है, ये लास्ट टाइम भी हुआ था दो तीन दफ़ा, तो मैं इसको क्या करूँगा फोर्स क्विट करूँगा और फोर्स क्विट करके दोबारा से इसको इनिशियलाइज़ करवाऊँगा, क्या लिखूँगा ए करूँगा यहाँ आके तो वह एंड्रॉयड पर उसको रन कर देगा दोबारा से, चल जा भाई क्यों नहीं चल रहा। अच्छा मेरा सीपीयू का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, उसको मैं ज़रा तेज़ कर दूँ फ़ैन को, आज की ज़िंदगी में हो पाएगा। अच्छा चल गया, साइन अप क्लिक किया मैंने तो मेरे पास ये खुला हुआ है इस वक्त राइट नाउ, जो मैंने फ्लैट लिस्ट डिस्प्ले की थी उसमें ये खुल रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा क्या हो रहा है इसमें, ऊपर से कुछ एक तो हिस्सा कट रहा है मेरी स्क्रीन का, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ एरर आया है।
अच्छा कह रहे हैं कि विजुअलाइज लिस्ट शुड नेवर बी नेस्टेड इनसाइड प्लेन स्क्रॉल व्यू विद द सेम ओरिएंटेशन बिकॉज इट कैन ब्रेक विंडोइंग एंड फंक्शनैलिटी यूज अनदर विजुअलाइज लिस्ट बैक्ड कंटेनर इंस्टेड। हाँ भाई क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने किया है ना एक स्क्रॉल व्यू लगाया है और उस स्क्रॉल व्यू के अंदर आपने ये फ्लैट लिस्ट लगा दिया है, ये नहीं करना है। तो कैसे लगाना है फ्लैट लिस्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सेफ एरिया व्यू के अंदर डायरेक्ट इसको फ्लैट लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो सेफ एरिया व्यू तो मेरे पास लगा हुआ है टॉप पे, है ना, सेफ एरिया व्यू तो मेरे पास उस पर लगा हुआ है ऐप डॉट टी एस पे, बट यहाँ पे मुझे क्या दोबारा लगाना पड़ेगा सेफ एरिया व्यू? आई एम नॉट श्योर, लगा के देख लेते हैं। बट यार मेरा तो स्क्रॉल व्यू लगाने का मकसद ये था कि वो स्क्रॉलेबल हो जाए। तो अगर मैं इस स्क्रॉल व्यू को मूव कर देता हूँ और मैं इसको सिंपल व्यू कर देता हूँ तो ये तो मेरा मसला ही वो हो जाएगा, फिर तो मुझे इसकी भी व्यू की ज़रूरत नहीं है। अब सही है, अब इसको मसला नहीं है। और इसको अगर मैं दोबारा से वापस स्क्रॉल व्यू करूँ तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ लगा के, अब मसला है इसको, स्क्रॉल व्यू नहीं लगेगा इसमें, सिंपल व्यू पे ही लगेगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो व्यू है तो उसमें ये स्क्रॉलेबल कैसे होगा? अच्छा नहीं, मतलब स्क्रॉल पे तो वो बड़ा होगा ना पीस, या एक विंडो बन जाएगी उसके अंदर स्क्रॉल होगा, ये मे बी वो विंडो बना के स्क्रॉल करेगा, यानी जितनी विंडो फ्लैट लिस्ट की होगी उतने को स्क्रॉलेबल बना दे, मे बी सही है। स्क्रॉलेबल तो ये होता है लेकिन स्क्रॉलेबल होगा कैसे वो मैंने अभी तक लगा के देखा नहीं है उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एरर एक चीज़ किस चीज़ का दे रहा है? अच्छा ये कंटेनर स्टाइल का ये एरर दे रहा है क्योंकि स्क्रॉल व्यू किया था हमने तो उसको ऐसे करके स्टाइल दिया था, अब जस्ट इसको स्टाइल सिंपल तरीके से दूंगा तो सेट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो मैंने चीज़ डिस्प्ले करवाई है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है ना, वो डिस्प्ले नहीं हो रही है इसके अंदर जो मैंने चीज़ डिस्प्ले करवाई थी। ये क्या प्रॉब्लम है इसके साथ अभी? अच्छा ये स्टाइल जो इसको पास किया गया है इस स्टाइल से भी इसको प्रॉब्लम है, अगर ये स्टाइल नहीं दे रहे हैं तो ये पूरा हो जा रहा है और अगर स्टाइल दे रहे हैं तो इसको प्रॉब्लम है। ये मेरा यूज़र भी पता नहीं कोने में क्यों छुप गया जाके। अच्छा कंटेनर से स्टाइल हटा दिया ना मैंने, कंटेनर का स्टाइल असल में है क्या ज़रा देख लेते हैं। मार्जिन टॉप 32 पिक्सल, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्योंकि उसमें कुछ मौजूद नहीं है तो इसलिए वो चपक जा रहा है, ठीक है। तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट हटा देना चाहिए इसमें से, नहीं ये जो फ्लैक्स बॉक्स होता है इसका डायरेक्शन बाई डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है, तो बाई डिफ़ॉल्ट कॉलम होने का मतलब है कि सेंटर करने के लिए मुझे अलाइन आइटम चाहिए, ठीक है। अलाइन आइटम हटाना पड़ेगा मुझे ताकि वो चीज़ों को सेंटर ना करें, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट टॉप और बॉटम में जस्टिफाई करेगा तो वो तो उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों की ज़रूरत नहीं है मुझे एक्चुअली, ठीक है, दोनों की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ऊपर से या किसी चीज़ को सेंटर में लाना है तो उस पर मुझे चाहिए कि मैं अलाइन सेल्फ लगाऊँ उसके ऊपर, यानी कि मैं अलाइन सेल्फ किसके ऊपर लगाऊंगा, जो मेरा टाइटल था ना ये हेडिंग जो था इसको मैं बोलूंगा अलाइन सेल्फ हो जाओ आप, अलाइन सेल्फ करूंगा मैं और बोलूंगा मैं आप सही है, मच बेटर। अच्छा अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये दिख क्यों नहीं रहा, इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डिस्प्ले करवाई हैं नज़र क्यों नहीं आ रही, एनी आइडिया? कलर का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टाइल डॉट टाइटल और स्टाइल डॉट आइटम,
ये दो चीज़ें ना जिसके ज़रिए इसको कलर दिया गया है। तो स्टाइल डॉट टाइटल और स्टाइल डॉट आइटम के अगर कलर अलग अलग हैं तो नज़र आना चाहिए। टाइटल में फॉन्ट दिया है जस्ट, और आइटम में बैकग्राउंड कलर कुछ दिया गया है। ब्लैक नहीं यार, नो इट्स नॉट अबाउट कलर, ये कलर का चक्कर ही नहीं है, कोई और मंजन है। क्या मंजन है भाई? यूजर्स, यहाँ पे आइटम इसको दिया है मैंने, सही दिया इसको, ये यूजर्स समझ नहीं आया, समझ आ रहा है यूजर इसको, ये आइटम भी समझ आ रहा है इसको, ये भी समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है इसको। ठीक है जी, आइटम है ये एक व्यू रिटर्न करता है, उस यूज़र में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मे बी ये चीज़ ना अनडिफाइन मिल रही है यहाँ पे समहाउ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे हार्ट से लिख दूँगा ऐसे, अगर ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ अनडिफाइन मिलती हैं, वो नज़र आ रहा है सही सही, इसका मतलब है ये वैल्यूज़ समहाउ अनडिफाइन मिल रही हैं। तो मैं क्या करूँगा भला, नीचे जाके मैं बोलूँगा कि यार यूज़र को ना स्ट्रिंगिफाई करके ज़रा मुझे दिखाओ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मुझे दिखाओ कि इस यूज़र में मिल क्या आ रहा है। ठीक है, इस यूज़र में ये मिल रहा है, ठीक है, हर दफ़ा डॉट यूज़र मुझे लगाना पड़ेगा, सही है, ये चक्कर है, हर दफ़ा डॉट यूज़र मुझे लगाना पड़ेगा इस, ऐसा क्यों हो रहा है भाई दादा। ओके गॉट इट, इसमें मैंने प्रॉप्स यूज़र के नाम से लिया हुआ है ना, प्रॉप सही तो है, जब ही तो मुझे वो प्रॉप के तौर पे मिल रहा है तो मुझे प्रॉप यूज़र लेना पड़ेगा पहले। अच्छा, इसका एक हल है, इसका एक हल ये है कि मैं उसको डीस्ट्रक्चर कर लूँ, है ना, डीस्ट्रक्चर करके मैं ले लूँ प्रॉप इसका, ऐसे करके, राइट, ऐसे करके ले लूँ मैं डीस्ट्रक्चर करके। इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो? नहीं, ये एक इंडिविजुअल है ना, एनी बाहर लगेगा। हाँ यार, नहीं एनी की जगह हम इसको वो दे देते हैं ना प्रॉपर, हम इसको टाइप दे देते हैं, टाइप यूज़र इक्वल्स टू, ऐसी बनती है ना टाइपिंग। अच्छा, इंटरफेस भी लिख सकते हैं, टाइप भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और ऐसे पूरा इसको उठा के दे देंगे हम कि यार ये होता है टाइप हमारा, और मैं कहूँगा कि यार ये सभी स्ट्रिंग है। है ना, और इसको मैं कह दूंगा कि यार ये यूज़र है। ऐसे ये तो अभी भी एनी समझ आ रहा है इसको, इसको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये यूजर, नहीं मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है, वरना ये यही एरर दे देता ना अगर इसको इस तरह का मसला होता तो, लगना तो इसको असूलन चाहिए यहाँ पे। बाइंडिंग एलिमेंट यूजर स्टूडेंट एट ए टाइम, अच्छा इसका शायद ना यू कैपिटल होता है इसका ना, इसको ये यूजर पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, डी स्ट्रक्चर करते हुए इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। सही है, ये टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक इशू है कि मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसको, और डी स्ट्रक्चर करते हुए उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये यूज़र है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ तो भी नहीं समझ आ रहा, और मैं इसको यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ तो भी नहीं समझ आ रहा इसको, इंटरफेस तो पता चल रहा है इसको, और ये
कह रहा है प्रॉपर्टी यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट ऑन यूज़र। अगर मैं ऐसे सिंपल करके करूँगा तो तब इसको समझ आ जाएगा, फिर मुझे इसको ऐसे बताना पड़ेगा एक्चुअली कि ये एरे ऑफ यूज़र है। नहीं यार, एरे ऑफ यूज़र नहीं, डॉट यूज़र करके। अब इसको कैसे दें, कैसे दें इसको हम टाइप, कैसे बताएं डी स्ट्रक्चर। तो इसको करना है 100% करना है। डिफाइन टाइप वाइल डी स्ट्रक्चरिंग, ये किसी ने पूछा हुआ भी ये सवाल के भाई डी स्ट्रक्चर करते हुए कैसे बताएंगे उसको टाइप। समझ आया ये डी स्ट्रक्चरिंग कैसे बता रहे हैं? ये डी स्ट्रक्चरिंग हो रही है बार की। इसमें ये पहला आइटम निकाला फूड, हो अच्छा टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का क्या फायदा, ये तो बहुत बड़ा तुमने। ये कह रहा है ये डी स्ट्रक्चर कर रहे हो ना, तो टाइप भी इसको ऐसे ही बताओगे आप। सही है, कह रहा है ऐसे बताओगे आप इसको। जितनी बार डी स्ट्रक्चर में लिखोगे उतनी बार यहाँ भी लिखोगे। अब इसको समझ आ रहा है कि ये यूजर क्या चीज़ है। अब ये यूजर में फर्स्ट नेम भी इसको मिल रहा है, यूजर नेम इसको लास्ट नेम भी मिल रहा है। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक इशू है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं होगा तो ये पार्ट ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा भाई, अब इसको ये मिलना शुरू हो गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल रहा है इसको, और ईमेल तो मैंने खैर हटा ही दिया था। अब मैं क्या लिखता हूँ इसमें आके, यूज़र डॉट ईमेल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है जी, ईमेल भी नज़र आ गया। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं ज़रा चल के टेक्स्ट का साइज़ इसके छोटा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 16 पे ही दिखाओ ये, और ये कलर ब्लैक हमने लगाया था इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 16 थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसको मैं कहता हूँ यार 22 पे दिखा दो। ठीक है, बेटर है। अच्छा, अब इसकी स्टाइलिंग में, स्टाइलिंग को लेकर जो हमें चीज़ें करनी है सारी, वो बॉर्डर रेडियस है एक तो। बॉर्डर रेडियस में कह देता हूँ यार 6, सही है, थोड़ा साइड से गोल हो गया ये, मे बी 10। और क्या देना है, कलर इसका कुछ बेहतर दे देते हैं, इन्होंने बहुत वाहियात कलर दिया है। कलर हमने बाय द वे वेब में किसका कॉपी किया था, वेब में हमने उसका कॉपी किया था ना, आईफोन का कॉपी किया था। अच्छा, इसमें तो कोई कलर ही नहीं दिया हमने, इसमें तो कोई कलर ही नहीं दिया हुआ। करते हैं दोबारा, आई मैसेज मैसेजेस, आई मैसेज की जो मेन स्क्रीन होती है ना वो इस तरह की होती है कुछ। अच्छा, तो इसमें भी कोई कलर नहीं है बैकग्राउंड में, जस्ट एक डिवाइडर लगा हुआ है। तो अच्छा, डेट भी लिखी हुई है साथ साथ, लेकिन ये तो यार स्टिल वो वाला है, लास्ट मैसेज की एक्चुअली वो टाइम लिखा हुआ है कि लास्ट मैसेज कितनी देर पहले आया है। वेल, आई मैसेज में यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, इसलिए मैंने भी कोई कलर नहीं डाला था, याद आ गया। तो ये कलर हटा देते हैं इसमें से, जस्ट इसमें डिवाइडर लगा देते हैं, कलर इसका हटा देते हैं। सही है, कलर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिवाइडर फ्लैट लिस्ट के अंदर डिवाइडर होता है, आ जाओ फ्लैट लिस्ट में, हाँ सेपरेटर होता है। सेपरेटर अच्छा, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट है इसमें पूरा, ये सिर्फ सीधा सीधा सेपरेटर लगाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ही है, कौन किसने बताया था ये? हाँ भाई ऐसे ही है, पूरा कंपोनेंट लगाना पड़ेगा हमें इसमें। अच्छा, बी आर तो इसमें चलता नहीं है, बी आर तो या तो हमें कस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा, आइटम है ना, लाइन कस्टम बनानी पड़ेगी, क्योंकि बी आर तो नज़र आता है वेब में लेकिन वो मोबाइल में नज़र नहीं आता। अच्छा, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट,
और ऐसे करके मैंने क्या दे दिया, एच आर के नाम से मैंने एक कंपोनेंट इसको पास कर दिया। नहीं एच आर ये तो मैंने वैसे ही दिया ना, अभी ये बना हुआ नहीं है एच आर, इसको एच आर मैं खुद से बना के दूंगा। अब इसको क्या हो गया अचानक, अच्छा इसको मैंने वो नहीं किया ना, सेल्फ क्लोजिंग प्रॉपर नहीं बनाया। अब ये एच आर मैं ऊपर जाके बनाऊंगा उसी आइटम के साथ नीचे, सही है एच आर। अच्छा इसमें ये सब कुछ नहीं होगा, अंदर एक अदद व्यू होगा इसके, एक सिर्फ व्यू होगा, और इस व्यू की जो हाइट होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो होती है अगर कुछ ना लगाया हुआ हो तो। मैं कहता हूँ भाई एच आ रही है, स्टाइल डॉट एच आ रही है, इसकी हाइट मैं कर दूँगा 1 पिक्सल और इसका कलर मैं कर दूँगा काइंड ऑफ ग्रे, तो वो मेरा मसला बिल्कुल सेट हो जाएगा। है ना, इनपुट कंटेनर है टाइटल था, उसके बाद मैं कहता हूँ एच आर। हाइट इसकी कर देता हूँ मैं 2 पिक्सल बन गया, ठीक है 1 नहीं 2, और कलर कर देता हूँ इसका मैं ग्रे। विड्थ नहीं देनी होगी क्योंकि वो फ्लैक्स बॉक्स है ना, वो स्ट्रेच कर लेगा। क्या कह रही है, स्ट्रिंग मस्ट बी अ टेक्स्ट। अच्छा वो कह रहा है स्ट्रिंग देनी ही पड़ेगी, टेक्स्ट को खाली नहीं छोड़ सकते आप। अब क्या करें भाई, नहीं ये तो क्या कह रहा है, कि क्या देना पड़ेगा इसको, कह रहा है कि भाई टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर विद इन टेक्स्ट कंपोनेंट। अब ये कहाँ पे मैंने लगा दिया ऐसा, इसको क्या कर दिया इसके साथ मैंने, हाँ लोकेटेड एट तो बता रहा है ये, मगर पता नहीं वो अजीब ही बताता है, समझ में नहीं आता। फ्लैट लिस्ट के अंदर ही कुछ मन जाने, ये आरटीसी व्यू व्यू यूज़र लिस्ट रेंडर राउट्स मेमोरी पता नहीं बता सब दिया इसने लेकिन समझ कुछ नहीं आया। वेल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है ये पुराना एरर खड़ा हो ना। अरे नहीं एरर पुराना था, वो एरर जो था वो नहीं पुराना नहीं था भाई, अभी कहीं था वो, जब उस कंपोनेंट में मैं जा रहा हूँ तो वो एरर आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा। अच्छा इसमें मैं ABC अगर लिख देता हूँ तो ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए अगर ये इस... अच्छा व्यू में डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते, नहीं तो कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा ना, तो फिर अलग से हम गूगल करते हैं कि सेपरेटर बनेगा कैसे। सेक्शन लिस्ट स्क्रॉल व्यू स्टेटस बार स्विच स्विच स्विच, हाँ ना वो तो टेक्स्ट लिखने के बाद भी, ये कह रहे हैं टेक्स्ट के व्यू में टेक्स्ट लिखना होगा। आ जाओ टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट लिख के देखते हैं, अब कह रहे ऐसे करके लिखना होगा। आप सेट हो गया बिल्कुल, व्यू को खाली नहीं छोड़ सकते, व्यू के अंदर टेक्स्ट लाजमी देना पड़ेगा। हाँ खाली डब्बा भी वही तो देख रहा हूँ कि खाली डब्बा बनेगा कैसे। अच्छा यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है इन्होंने कि यार रेंडर्ड इन बिटवीन ईच आइटम बट नॉट एट द टॉप और बॉटम बाय डिफॉल्ट हाइलाइटेड एंड लीडिंग आइटम प्रॉप्स प्रोवाइडेड रेंडर आइटम सेपरेटर हाईलाइट दिस दिस दिस। इसने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे कि जो है ना वो इस बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो बनेगा कैसे। अच्छा ये किसी ने पूछा हुआ है यहाँ पे कि भाई आइटम ये सेपरेटर तो है, ये क्या चक्कर क्या है। अच्छा ये व्यू सेल्फ क्लोजिंग इसने किया है तो इसके पास एरर कुछ और आ रहा है, सेपरेटर कंपोनेंट में दिस डॉट रेंडर सेपरेटर है। अच्छा
अच्छा इसका तो जीरो वोट मिले हुए ना, एक्सेप्ट किसको किया, कौन से आंसर को एक्सेप्ट, कोई आंसर भी नहीं हुआ हुआ यहाँ पे, ये हुआ हुआ एक्सेप्ट। आ जाओ इसको देखते हैं। यू कैन जस्ट ऐड इफ एल्स कंडीशन इनसाइड द रेंडर आइटम्स। सवाल क्या पूछा था यार इसने, आई हैव अ फ्लैट लिस्ट मल्टीपल कॉलम दिस दिस दिस। अच्छा इसके पास तो मल्टीपल कॉलम्स है ना, रो भी है कॉलम भी है, ग्रिड है इसके पास, इसके पास सीधा सीधा लिस्ट नहीं है। रेंडर सेपरेटर में जो है ना इसने, सही कह रहे हो यार, ये उसको करके देखते हैं, जो व्यू है ना इसको सेल्फ क्लोजिंग बना के चेक करते हैं। हाँ यार सही हो गया, व्यू को सेल्फ क्लोजिंग बनाएंगे तो फिर टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, गुड। अच्छा हाइट इसकी कर दी है 2 पिक्सल और कलर इसका कर दिया ग्रे, बट ये स्टिल नज़र नहीं आ रहा है। अब इसकी ज़रा विड्थ इसको दे के देखते हैं, यार ये अभी भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये भी एक सवाल है, इंस्पेक्ट इसमें होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता इसमें इंस्पेक्ट। इसमें जो है ना इंस्पेक्ट उसके ज़रिए होता है, क्रोम में जाते हैं हम, और क्रोम में जाके हम खोलते हैं इंस्पेक्ट, खोलते हैं पता नहीं क्या खोलते हैं, जब इंस्पेक्ट, अच्छा कॉलम CHROME कॉलन स्लैश स्लैश इंस्पेक्ट, यस दैट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो डिवाइस है ना ये वाली, ये यहाँ पे दिख रही है, और इस वाले डिवाइस को मैंने क्या करना है, डीबग करना है। ओके हाँ डेटा केबल से भी ऐसे ही होगा, एप्स अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास एप्स में ये शो नहीं हो रहा, मेरा जो ऐप खुला हुआ है ना वो शो नहीं हो रही, उसको शो कराने के लिए यहाँ पे कुछ मंजन करना पड़ता है इसके अंदर जाके, डिवाइस की सेटिंग में जाके ना, डेवलपर ऑप्शन से कहीं से जाके ना वो OEM पता नहीं क्या होता है वो इनेबल करना होता है। अच्छा इसमें तो डेवलपर ऑप्शन ही इनेबल नहीं हुआ होता, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया, अब अभी आएगा कहाँ से वो, ये डेवलपर ऑप्शन आ गया। अब डेवलपर ऑप्शन में जाके जो है ना मेरा भाई यहाँ पे क्या है होता है, हैं डीबग, USB डीबगिंग तो है, वायरलेस डीबगिंग भी ऑन कर देते हैं, सही है वायरलेस डीबगिंग ऑन करके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं ज़रा, डिवाइसेस तो आ रही हैं यहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए ऐप्स के अंदर, वो ऐप आनी चाहिए एक्चुअली, वो जो ऐप है ना पूरी इस ऐप के अंदर शो होनी चाहिए। अब डिवाइस में जाके मैं क्या करूँगा, डिस्कवर नेटवर्क टारगेट्स में जाके ना कॉन्फ़िगर का बटन दबाऊँगा। अब कॉन्फ़िगर का बटन दबा के मैंने क्या करना है, जिस पोर्ट पे मेरी वो चल रही है ना ऐप, वो पोर्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। अब वो पोर्ट कैसे पता चलेगा मुझे, वो ADB डिवाइसेस पे आ रहा होता है। ओहो क्या बोल दिया मैंने, ADB डिवाइसेस, ये 5554 पे चल रहा है, अरे यार ये क्या चक्कर है, अभी भी नहीं आ रहा ये।
नहीं, मोबाइल के ब्राउज़र पे भी और मोबाइल की एप्स भी शो करनी चाहिए उसको। पता नहीं यहाँ से कोई और ऑप्शन भी इनेबल करना रह गया क्या। डिसेबल ADB ऑथराइजेशन। सेलेक्ट डीबग ऐप। एक्चुअली यहाँ से ना मैंने सेलेक्ट डीबग ऐप नहीं किया हुआ था, मोबाइल की सेटिंग से जाके सेलेक्ट डीबग ऐप में ये ऐप सेलेक्ट करनी होगी मुझे कि इस ऐप को डीबगर में शो कराओ वहाँ पे। अब आते हैं, आप देखते हैं शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। शो तो अभी भी नहीं हो रहा यार ये। अब क्या रह गया और क्या पीछे रह गया। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल कर दूँ मैं, क्या करूँ। क्लोजिंग दिस पेज टर्मिनेट्स इट। पता नहीं इस ऐप को बंद करके खोलने से होगा क्या। इस ऐप को बंद करके एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा, हालांकि फ़ौरन शो कर देता है ये। डिवाइस यहाँ पे शो हो रही है मेरे पास, इमुलेटर 5554 शो हो रहा है। सही है, डिवाइस कनेक्शन का इशू नहीं है, डिवाइस मेरे पास शो हो रही है, बट ये ऐप शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। नहीं ब्राउज़र तो ऐप वाला चक्कर नहीं है ना यार वो। अब जैसे मैं यहाँ पे आके खोलता हूँ education.sysborg.com, राइट। एजुकेशन का एन मिस कर दिया मैंने। सही है, अब देखिए ये देखो वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे पेजेस में जाऊँगा ना मैं, तो यहाँ पे ये वेबसाइट दिख रही होगी मुझे। डिवाइस में ही नज़र आएगी। हाँ ये यहीं पे नज़र आ गई यार, देख रहे हो ये इंस्पेक्ट का बटन आ गया। क्या करूँगा, सॉरी। जैसे अभी आपने एजुकेशन को सर्च किया ना, फिर हाँ ये जहाँ पे जो पोर्ट आपने कॉन्फ़िगर की है इसकी 5554, हाँ वहाँ पर रन करें तो यहाँ पे वो भी पेज आ जाएगा। नहीं वो तो यहाँ चलेगा ही नहीं ना। नहीं ये ट्रिपल, ये वेब एप्लीकेशन थोड़ी है जो हम बना रहे हैं, ये तो मोबाइल ऐप है ना। अब यार ये कोई अभी डेवलपर ऑप्शन में से ही कुछ मिस हो गया है, अभी देख लेते हैं और आगे क्या है। अभी और भी आगे देख लेते हैं क्या इसमें कोई और मंजन तो नहीं है। असल में ये नए वाले एंड्रॉयड में पता नहीं इन्होंने कुछ वो ना कर दिया ना। डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल जेस्चर, इनेबल जेस्चर। ये तो हम कहीं और ही पहुँच गए। रनिंग सर्विसेज नहीं। ये डिबगिंग का जो सेक्शन है ना, इसी में से ही कुछ हमने मिस कर दिया है। रिवोक USB, ये दोनों शुरू वाले USB के ऑप्शन है। उसके अलावा वायरलेस डिबगिंग, ये वायरलेस डिबगिंग है हमारे पास। वायरलेस डिबगिंग ओपन है। IP इसकी एक लिखी हुई आ रही है। बैग हो जा भाई। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट एन ऐप, वेट फॉर डीबगर। चलो इसको भी ऑन कर देते हैं। बस और तो कोई ऑप्शन नहीं है जो हमने मिस किया है। पता नहीं फ़ोन वोन रीस्टार्ट तो नहीं करना पड़ता ये सेटिंग चेंज करने के बाद। वेट फॉर डिबगर करने के बाद यहाँ पे अभी भी शो नहीं कर रहा है।
डीबगिंग रिएक्ट नेटिव पे ज़रा जाके देख लेते हैं क्या चक्कर है। ओके यहाँ पे एक आ रहा है ना, इस रिमोट डीबगिंग को इनेबल यहाँ से भी करना पड़ेगा ऐप के अंदर से। ये वेट फॉर डीबगर इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। ये वेट फॉर डीबगर ये दूसरा बन जाना है, लगा दो नज़र। कहाँ था वो डेवलपर ऑप्शन? वेट फॉर डीबगर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, सही है। अब इसको नॉर्मली ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला था कि कंट्रोल एम दबा दो, क्या दबा दो? हाँ, कंट्रोल एम दबाने से ना ये ऑप्शंस आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे शो एलिमेंट इंस्पेक्टर, चलो मेरा भाई ये आ गया इंस्पेक्टर मेरे पास। ये आ गया इंस्पेक्टर, सही है। अच्छा, और इसने यहाँ पे क्या वो जे एस इंस्पेक्टर का बताया हुआ था, रिमोट जे एस डीबगिंग, ये मेरे पास तो नहीं आ रहा। कंट्रोल एम दबाने से ना रिमोट रीलोड है, हाइड एलिमेंट इंस्पेक्टर है, डिसेबल फास्ट रिफ्रेश है, सेटिंग ओफ सेटिंग है भाई। जे एस डिवेलपर मोड ट्रू, जे एस मिनीफाई, डीबगिंग सर्वर एंड होस्ट पोर्ट। डीबगिंग पे जाता हूँ मैं। अच्छा, डीबगिंग पे जाके मुझे पोर्ट बतानी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने कैसे बताया ये पोर्ट कॉन्फ़िगर करना? यार ये वाला मेरे पास आना चाहिए ना, रिमोट वाला। अल्टरनेटिवली दिस अच्छा, ये कह रहा है कि गूगल क्रोम पे जिस तरह हमने खोला था ना वैसे नहीं खुलेगा ये। ये कह रहा है 8081 करके खुलेगा, 8081 करके खोल के ट्राई कर लेता है। ये आ गया ना, ये है उसकी डेवलपर यूआई। अच्छा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट, यहाँ पे मुझे दिखेगा ये पूरा का पूरा। नहीं यार, ये तो कुछ और ही चीज़ है। इसमें रीलोड ऐप का ऑप्शन है, ऐप रीलोड हो रही है क्या इससे वाकई? स्टैंड अलोन वर्जन ऑफ रिएक्ट डेवलपर टूल्स, ये रिएक्ट का एक डेवलपर टूल अलग से भी इन्होंने दिया हुआ है जिसके जरिए हम ये डीबगिंग कर सकते हैं इसकी। आ जाओ, इसको इंस्टॉल कर लें। यार हम 11 से ऊपर आ गए। ये भाई रिएक्ट के डेवलपर टूल ओपन हो गए, सही है। बाय डिफॉल्ट इसने ये वाले पोर्ट पे किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये स्क्रिप्ट जो है वो शायद रिएक्ट में इंक्लूड करनी पड़ेगी मे बी। एड वन ऑफ द फॉलोइंग टू द टॉप ऑफ द पेज यू वांट टू डीबग बिफोर इंपोर्टिंग रिएक्ट डॉम, ठीक है।
ठीक है, इसको उस पेज में जाके टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब जाके इसको पता चलेगा कि अच्छा यार ये वाली ऐप हो गई है, कनेक्ट हो गई है इसके साथ। ओके, तो ये काफ़ी सारे तरीके इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पे, बट ये सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, स्टॉप रिमोट जावास्क्रिप्ट डीबगिंग, ये क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा ये कह रहा है कंट्रोल डी व्हेन योर ऐप इज़ रनिंग इन आईओएस और कंट्रोल एम, कंट्रोल एम मैंने प्रेस कर दिया, अब कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, डीबग, अरे ऐप ही क्रैश हो गई है। तो रिमोट डीबगर इज इन बैकग्राउंड टैब, अच्छा जावास्क्रिप्ट लॉग विल अपीयर इन योर ब्राउजर कॉन्सोल, सही है। अब ब्राउजर कॉन्सोल में कौन सा वाला, कौन सा एड्रेस ओपन करूँगा, कंट्रोल एम, स्टॉप डीबगिंग तो ये लिखा हुआ आ गया, सही आ गया बिल्कुल। और अब मैं ब्राउजर में जाके क्या खोलूँगा, ये वाला, रीलोड करता हूँ, यार रीलोड में क्या हो जा रहा है इस ऐप को, अच्छा सही है लॉग्स तो आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है भाई लॉग्स ये आना शुरू हो गए हैं, बट वो असल प्रॉब्लम है यूआई का, कि यूआई की मैं चीज़ों को डीबग कैसे करूँ, जैसे कि मैंने अभी एक लाइन डिस्प्ले की थी वहाँ पे, बट वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। कॉन्सोल तो मुझे वैसे भी इस स्क्रीन पे दिख रहे थे, यहाँ पे इस जगह पे मुझे कॉन्सोल तो वैसे भी नज़र आ जाते हैं, तो कॉन्सोल अगर यहाँ आ रहे हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे यूआई का इंस्पेक्टर कैसे होगा, तो यूआई का इंस्पेक्टर शायद ये कंट्रोल एम करके जो आया था ना, कैसे आया था वो, हाइड एलिमेंट इंस्पेक्टर, वो ऑन है भाई, दबे वो इंस्पेक्टर ऑन है जो एलिमेंट है हमारा, तो उसी से ही इंस्पेक्शन होगी यूआई की और मोबाइल के ऊपर रह के होगी, ठीक है। ये मोबाइल से बाहर निकल के यानी ब्राउज़र वगैरह से कनेक्ट नहीं होगा ये, ये हाँ नहीं नहीं वो तो असल में ऐप पता नहीं क्यों क्रैश होना शुरू हो गई ना, वो ऐप क्रैश होना शुरू हो गई है, वो अदरवाइज़ वो थोड़ी देर पहले तक वो सेट था बिल्कुल, अभी यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ये एच आर ओके गॉट इट, ये तो मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पे एक्चुअली टैग नहीं पास होना था, यहाँ पे एक फंक्शन पास होना था, जस्ट लाइक दिस, देखो यार इतनी बड़ी मिस्टेक हम करके यहाँ बैठे हैं और हम कह रहे हैं वो चल क्यों नहीं रहा, ठीक है हमें यहाँ पे एक अदद फंक्शन पास करना था ऐसे करके चुनना मुन्ना सा, और उस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू पे मुझे ये एलिमेंट देना था, कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन का नाम नहीं, बस वो एच आर है ना, सही तो है। अच्छा ये यूआई खुद से खुल रही है अब डीबगर की, क्योंकि वहाँ से डीबगर अटैच हुआ हुआ है तो वो यूआई ओपन खुद से हो रही है डीबगर की, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में कह रहा है खुल गया है डीबगर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा कॉन्सोल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑसम ऐप विथ रूट टैग 19, यार एलिमेंट तो ये इसके शो कर रहा है ना, ये देखो ना तुम इसके शो कर रहा है, कॉन्सोल ऑन अदर एंड ये वहाँ वाला लेकर आ रहा है मेरे पास, नेटवर्क की एक्टिविटी यहाँ से मैं इसकी नोट कर सकता हूँ, नेटवर्क पे जो रिक्वेस्ट लग रही है वापस आ रही है, बट वो यूआई वाला जो चक्कर है ना वो वहीं से ही होगा, कंट्रोल एम किया मैंने और ये स्टॉप डीबगिंग एक आ रहा है मेरे पास, ओ, ओ क्या किया मैंने, ये कंट्रोल एम स्टॉप डीबगिंग कर देता हूँ पहले मैं, यार डीबगिंग ऑन करने और ऑफ करने से ना ये पूरी ऐप पता नहीं क्यों क्रैश हो रही है,
अच्छा हाइड एलिमेंट इंस्पेक्टर जो था ना, ये था मेरा एलिमेंट इंस्पेक्टर जो था। अच्छा स्टॉप डीबगिंग हुआ नहीं है अभी भी, अब हुआ है शायद, यार पता नहीं क्या चक्कर है। ये आ गया इंस्पेक्ट अटेंडेंस। अच्छा चलो भाइयों जाओ अटेंडेंस लगा कर आ जाओ। नहीं जब मैं बोलूँगा फिर जाना। हैकाथॉन का क्या बता दूँ तुम्हें यार, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये संडे वाले दिन सुबह। हाँ हैकाथॉन में नहीं आओगे सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, ये प्रॉब्लम। इंट्री टेस्ट कहाँ गया तुम्हारा, देख लो यार। अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये मैनेजमेंट की डिसाइड करती है कि कब होगा, किस टाइम पे होगा, कैसे होगा। ठीक है एंट्री टेस्ट तुम्हारा सुबह होगा कितने, 9 बजे तो 9 से 11 तक होगा, 11 बजे आ जाना। हाँ मगर नहीं, 11 बजे आ जाना भी नहीं, वो भी मैनेजमेंट से पूछना तुम कि क्या तुम 11 बजे आ सकते हो, मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था 9 बजे रिपोर्ट करना है, और तो वो उनसे पूछ लेना तुम एक दफ़ा। मैं इसमें कोई कुछ भी कह नहीं सकता कि कब आना कब नहीं आना। अब मैं खुद आ जाऊंगा तुम लोगों की दिलजुई के लिए सुबह सुबह। हाँ बस वो भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आ जाऊँ, कोशिश करूँगा आने की।